हेलो शर्मा जी, कैसे हो? अरे हेलो रमनदीप जी, कैसे हो सर? पुट्ठा लाता मतलब कि ऐसे आएगा ना? ओके चंगा भाजी, वधिया ही रहो। ये दुआ है हमारी रब से, तू ही सब वधिया ही रहो बस। अज यार मैं भुल गया सीगा, सच्ची दसा कि अज वेडनेसडे हैगा। पंजाबी शुरू हो गई मेरी। मैं आज तो यार मैं भूल ही गया था कि आज सैटरडे, सॉरी वेडनेसडे है आज, कि आज लाइव आना है। माइंड से स्किप हो गया था आज। कुछ ही कहाँ रख दी मैंने। अब उसको कहाँ रख दिया यार। ये दुआ है मेरी रब से, तेरे आशिकों में सबसे। चलो जी, ये भी हो गई तैयार हमारी एक वायर तो। हाय रब्बा, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस आ गई ना। चलो जी, ये वायर तो हो गई है अपनी रेडी। अब दूसरी पकड़ लेनी, दूसरी पकड़ लेते हैं। कमेंट्स नहीं आ रहे, क्या हो गया? सचिन ससोडिया जी, टॉप एट मोस्ट साउंड बार बताओ भाई जी। टॉप सर, टॉप साउंड बार अगर चाहिए आपको तो आप लो नाकामिची की शॉक वेव अल्ट्रा। 9.2.4 चैनल साउंड बार है। वीडियो अगर नहीं देखी आपने मेरी वो साउंड बार वाली, तो आप वीडियो देख लो एक बार ही, आपको पता लग जाएगा। और अगर सीरियसली अपनी बात करूँ ना, तो भाई साहब मेरे को आज तक है ना कोई साउंड बार है ना इतनी अच्छी लगी नहीं जितनी ये जो साउंड वेव अल्ट्रा है, जोन सी शॉक वेव अल्ट्रा सॉरी, ये लगी है भाई साहब। बट ये है कि ये यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, और मैंने भी इसके सिर्फ दो ही पीस मंगवाए थे, जो कि वीडियो डलने के 2 दिन में ही चले गए थे। एक दिन में एक बुक हो गया, एक दिन में एक बुक हो गया था। अभी और मंगवाए हैं इसके, तो देखते हैं और आते हैं तो। बाकी इससे बढ़िया साउंड बार मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी यार अपनी। कोई यार कागज नहीं पड़ा कोई, यहाँ चल ये नीचे रख लेते हैं। शुभंकर दास जी हेलो, कैसे हो सर? क्या हाल चाल है? कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हो?
रमनदीप जी, दो सबवूफर हैं इसके साथ। हाँ जी सर जी, रमन जी 10-10 इंच के दो सबवूफर आते हैं साथ में। होम थिएटर अच्छा होगा क्या? साउंड टावर अच्छा होगा? अच्छा, ये सुखवांगर जी क्वेश्चन समझा नहीं। होम थिएटर अच्छा होगा क्या? साउंड टावर, साउंड टावर से मतलब साउंड बार बोल रहे हो? साउंड टावर क्या होता है? अगर आप साउंड बार ही पूछ रहे हो कि दोनों में से सही कौन सी होगी, तो देखो होम थिएटर का अपना ही एक अलग होता है। कोई भी साउंड बार आप लेते हो, देखो होम थिएटर जैसा एक्चुअल इफेक्ट तो आपको वो दे नहीं सकती, मगर ये जो सी साउंड बार मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे पर्सनली सब वूफर के होम थिएटर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगी है मुझे। ये एक लौती साउंड बार ऐसी है जो सी मेरे को इतनी ज़्यादा सही लगी है, इतनी क्लोज लगी है एक होम थिएटर सेटअप के। बाकी अगर आपका रूम है जो वो अगर वहाँ पर होम थिएटर लगने के लायक है, मतलब कि लग सकता है वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप होम थिएटर ही लो, साउंड बार मत लो। आई एम फाइन एंड आवर यू, बहुत बढ़िया जी। सचिन जजोडे जी अवेलेबल है क्या? है आपके पास सर जी? अवेलेबल दो पीस ही आए थे, मैंने बताया अभी आपको भी, तो दो तो जो उनसे हैं वो 2 दिन में ही सेल हो गए थे यूट्यूब में जब वीडियो डली है। बाकी मंगवाए हुए हैं और अभी ज़्यादा, मैंने पहले इसलिए इकट्ठे मंगवाए नहीं थे, मैंने कहा यार कॉस्टली चीज़ है, पता नहीं रिस्पांस मिले ना मिले, तो मगर मेरे को उसको किसी को शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खाली वीडियो डालने के बाद ही वो दोनों की दोनों ही सेल होगी। तो बात करी थी फिर आगे मैंने, वो कह रहे हैं कि हाँ मिल तो जाएगी, बट एक हफ्ते का बोला था उन्होंने, तो अभी तक तो वहाँ से कोई रिपोर्ट मुझे ऐसी आई नहीं है कि आ रही है नहीं आ रही है। बाकी आएंगी ज़रूर, ये तो नहीं है कि नहीं आएगी, मिलेगी तो ज़रूर। अगला कमेंट है जी हर्ष जी का, अमित जी। हर्ष जी नमस्कार सर, कैसे हैं भाई लोग? आप मैसेज करते रहना, मैं जवाब देता रहूँगा साथ साथ में, मैं अपना ये थोड़ा सा काम करता रहूँ, ये तो ये लटका रह जाएगा बाद में, फिर तो मैं इसको धीरे धीरे करता रहूँगा और आप लोगों से बात भी करता रहूँगा और अपना ये वाला काम भी निपटाता रहूँगा। वीडियो दे नाल पंजाबी सॉन्ग सुनने लई की यूज? वीडियो दे नाल पंजाबी सुनन किधर गए? पंजाबी सॉन्ग सुनन लई की यूज करना चाहिदा है क्वालिटी च? यार वीडियो नाल अगर चला रहे हो तो तुसी मतलब हिंदी ची बोलूंगा तो सबको भी समझ आ जाए, ताकि वीडियो सॉन्ग सुनने के लिए होम थिएटर लगाओ जी, फिर में वीडियो का भी होता रहेगा और आपका ऑडियो का काम भी चलता रहेगा। अगर आप डायरेक्ट ही जो भी सोर्स आपका है जो आप लगा रहे हो गाने सुनने के लिए, अगर उसको वीडियो को आप टीवी पे ट्रांसफ़र कर दो और ऑडियो के लिए आप अपना एक वो क्या होता है वो होम थिएटर नहीं सॉरी स्टूडियो सेटअप लगा लो, अगर आपको खाली 2 चैनल साउंड ही सुनना है। अगर आपको मल्टी चैनल चाहिए हैं तो आप एक होम थिएटर लगाओ। मेरे को लग रहा है कि मेरा नेट शायद स्लो चल रहा है क्या यार, दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है? मज़ा तो रमन जी स्टीरियो सेटअप, देखो दो अगर आपने 2 चैनल ऑडियो सुन ली है ना, तो उसका जो सा मज़ा है भैया वो हमेशा 2 चैनल सेटअप के अंदर ही ज़्यादा आता है। बट ये है कि होम थिएटर लगाते हैं तो वो मल्टीपर्पज़ हो जाता है कि चलो भाई दोनों काम आ जाएगा, आपके वीडियो का काम भी आपका उसमें हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। हेलो जयेश जी, क्या हाल है भाई आपके? सुगंधा जी, इसमें होम थिएटर का प्राइस कितना है? किस होम थिएटर का प्राइस सर जी? मिस्टर दास, किस होम थिएटर का प्राइस पूछ रहे हो? बढ़िया गुरु जी, आप सुनाएं सर जी। मैं भी बहुत बढ़िया, जय जय बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं साथ में, आप लोगों का प्यार है तो हम बढ़िया ही बढ़िया हैं जी।
प्रकाश जी, 15,000 वाले ही वाली होम थिएटर है क्या आपके पास अभी भी? आई एम फ्रॉम नेपाल। ये प्रकाश जी, आई थिंक मैसेज वो शायद आपने ही मेरे को भेजा होगा, जिसके बारे में आप यही पूछ रहे थे कि नेपाल में ट्रांसफ़र हो जाएगी या नहीं होगी, आपका कमेंट आया था आई थिंक मेरे को। तो यार वो सेटअप तो चलो बाद की बात है, बनेगा नहीं बनेगा, मगर नेपाल में मैंने आज तक यार कभी कोई चीज़ भेजी नहीं है, तो मुझे प्रोसेस उसका क्या होगा, शिपिंग क्या होती है, कैसे जाती है, कहाँ जाएगा, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप भैया एक बार पहले अपने हैंड पर पता करो कि किस तरीके से यहाँ पे शिपिंग जा सकती है, क्या चार्ज आता है उसका, बाकी की जो सी बात है वो उसके बाद की है। अवेलेबल है नहीं है, नहीं है तो हो जाएगा अवेलेबल, वो सब कुछ बाद की बातें हैं, पहले आप शिपिंग का क्लियर करो कि वो होगी कि नहीं होगी, फिर देखते हैं आगे। आपने जो होम थिएटर इंस्टॉलेशन कर रहे हो भैया, इसकी कॉस्ट है तकरीबन तकरीबन, अब मेरे को ऐसे एक्चुअल में तो देखो याद नहीं है, यहाँ पर मैं लगा क्या रहा हूँ मैं बताऊँ आपको, तो मैं डेनन का तो लगा रहा हूँ, 9.2 चैनल का एम्पलीफायर, तो सारा सामान जितना भी है ये यूज्ड में लग रहा है, ये सारा यूज्ड है। तो जो एम्पलीफायर है उसकी कॉस्ट है 65,000 रुपये, और जो फ्रंट स्पीकर हैं वो है मेरे, वो भी 65,000 रुपये के हैं, सेंटर स्पीकर जो है वो 30,000 रुपये का है, और उसके बाद में जो मेरे सब वूफर लगेंगे वो दो सब वूफर लगाने हैं हमने, तो वो दोनों जो उनसे हैं वो 16-16 हज़ार रुपये के सब वूफर हैं, और क्या लगेगा, हाँ सराउंड स्पीकर जो उनसे हैं वो 25,000 के हैं, और जो ऊपर हाइट स्पीकर्स लगने हैं वो 15,000 का एक पेयर है, तो वो दो लगेंगे, मतलब चार लगेंगे टोटल, तो 30,000 रुपये के वो हो जाएंगे। अब टोटल आप कर लो, मेरे को नहीं पता कितने में लगेगा, कितना बनता है टोटल। जोन सा, आपके पास ट्यूब एम्पलीफायर बनाते हैं स्टीरियो वाले, कैसे हैं और प्राइस क्या होगा? सर एम्प तो देखो रमन जी अच्छे होते हैं वो, नो डाउट, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं, और जो प्राइस है उनका प्राइस देखो हर एक एम्पलीफायर का अलग अलग होता है, तकरीबन तकरीबन जोन सी है वो 1 लाख से स्टार्टिंग शायद हो जाती है उनकी, आई थिंक 1 लाख में भी नहीं होता होगा, ज़्यादा होता होगा वैसे, मतलब तकरीबन तकरीबन 1 सवा लाख, 1 लाख 1.25 लाख रुपये के आसपास में स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है उसका। की हाल चाल मित्रा? बढ़िया भाई, तू सुना तेरा क्या हाल है? आया ही नहीं, तू कह रहा सी आवांगा, आ जा उन्हें, आ जा ऑफिस ऊपर ही बैठा हुआ, आ जा, कल्ला ही हैगा ऊपर, आ जा नहीं कोई, इतने सब गए हुए ने, आज छुट्टी मना रहे हैं सारे, आ जा इधर ही, आ जा ऊपर ही। इसका हुकअप कहाँ गई? तो मेरा ना सामान ही घूमता रहता है, पता नहीं क्या बीमारी पड़ती रहती है। और ये मिल गया, अब हुकअप कहाँ रख दिया इसका? कहाँ चले गए यार? ये सही है भैया, पता नहीं किधर गई यार। दूसरा निकाल लेते हैं फिलहाल।
मिस्टर दास थैंक यू मत बोलिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए यार किसी ना किसी के साथ में, जिसके साथ भी आप कर सकते हैं। एस, ये नाम कैसे गया है, एस जी एस एच जोश, मिस्टर जोश ही बोल लूँ आपको, वही ठीक रहेगा। रगड़ो भाई रगड़ो, अच्छा भैया रगड़ना पड़ जाता है कई बार यार, कई काम रगड़ने के बिना होते ही नहीं है। कंपनी कौन सी है ट्यूब एम, ट्यूब वाले एम की कंपनी? सर उनके अपने ही बनते हैं वो तो, उसमें ये देखो भाई साहब अभी इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं कि कहाँ गया कहाँ गया, आपके सामने देखा होगा आपने, बिल्कुल फ़ोन के सामने पड़ा हुआ है तब भी नज़र नहीं आया मगर मेरे को। कंपनी उनकी भैया अपने ही बनते हैं वो, लॉरिटा लॉरिटा के नाम से बनते हैं वो। बलू एम जी भाई सोनी दिस एंड इंच टीवी के लिए बजट साउंड बार एडवाइस करें भैया साउंड, ये मेरे से बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि बजट होम थिएटर बताओ, बजट साउंड बार, इसको क्या ये बजट साउंड बार या बजट होता क्या है मुझे तो यही नहीं पता। मतलब बजट तो यार आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, थर्ड पर्सन है उसका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है बजट, तो एक बजट साउंड बार बताओ मैं कैसे बताऊँ, आप मुझे अपना बजट बताओगे नहीं जब तक तो मैं कैसे बताऊँगा आपको, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये लो जी अभी और घिसना पड़ेगा भाई साहब, आप कह रहे थे ना जो अभी घिसो भैया घिसो, अभी और घिसना पड़ेगा मुझे तो। आ गए यार कमेंट मिस हो गए काफ़ी सारे आ गए हैं यहाँ पर, तो पहले मैं कमेंट ही जवाब दूँ जरा तो। नितेश अनकियो थ्री का ये भैया नितेश जी बिल्कुल नहीं देता, देखो एक वो बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अगर आपका बजट अच्छा है तो कोई और सेट लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और सेकेंडली अगर बजट नहीं भी है ना तब भी मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे करके सेटअप बना लो, इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, इस पर 50,000 रुपये खर्चे हैं जो उनसे वो बेकार हैं, इसको ऑन कर लो पहले फिर बंद हो जाएगा बीच में ये, फिर रहूँगा मैं तो। आगे बढ़ूँ मैं कमेंट्स की तरफ में पहले। सतीश कुमार जी गुड इवनिंग सर, सतीश जी नमस्कार गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ ठीक है, और क्या रिपेयर कर रहे हो? सर जी रिपेयर नहीं कर रहा यार, अपना रूम का ना वायरिंग वगैरह चेंज करी थी मैंने, तो बस उसी में लगा हुआ हूँ, कल से ही लगा हुआ था, थोड़ा बहुत काम कल कर लिया था, थोड़ा मैंने सोचा आज कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा एक बार में, तो हमारा मेरा काम पर्सनल जो काम होते हैं वो कभी भी एक बार में पूरे नहीं हो पाते हमारे। सचिन जी बेस्ट डॉल्बी एटमॉस ऑप्टिकल से आता है या HDMI से आता है? ARC से भैया, ARC में देखो क्वालिटी, आपका नाम है क्या है कहाँ गए सचिन जी? ऐसा है देखो, चाहे आप ऑप्टिकल ले रहे हो चाहे आप ARC HDMI के थ्रू ले रहे हो, क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क आता है, बस फ़र्क आ जाता है फॉर्मेट्स का, कि फॉर्मेट जो है वो ARC के थ्रू ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, और ERC अगर लेते हो तो वो और ज़्यादा फॉर्मेट सपोर्ट करती है, ये फ़र्क आएगा उसमें। तो आगे की तरफ कमेंट में पहले फटाफट से छोटे छोटे तरीके से जवाब दे दूं सबको, क्योंकि कमेंट्स आ चुके हैं बहुत सारे और मैं नहीं चाहता किसी का भी कमेंट मिस जाए। तो ये जो जी सर जी मेरे पास 15,000 हैं और VU TV KP डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है, क्या लूं? ये सर देखो TV के लिए देखो किसी एक्सपर्ट बंदे से आप सलाह ले लो, मेरे से सलाह मत लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को TVs के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अभी आपका दिल रखने के लिए कुछ बोल दूँ और आप गलती से वो चीज़ खरीद लो और मेरे से जुतियाँ मारो आगे, इसे भी आप एक बार सोच समझ के ट्राई करके फिर आप लो। TV के बारे में सर मुझे कुछ नहीं पता। DD गुड इवनिंग सर जी, DD जी गुड इवनिंग यार, ये क्या है बीमारी? उमेश जी नमस्कार, हेलो कैसे हो? DD जी कह रहे हैं लॉजिटेक रिव्यू का रिव्यू कैसा है? सर जी वीडियो बनी हुई है DD जी लॉजिटेक के ऊपर, वो प्लीज़ आप वो देख लीजिए। हाँ जी आपने एक वीडियो में बताया था डेनन AVR 1600 का प्राइस 56,000 रुपये और आपने कहा था विदाउट बिल 45,000 रुपये। सर जी बिल्कुल कहा था, अभी मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, अभी ये जो शायद अगले महीने या उससे अगले महीने नए मॉडल लॉन्च होने लगे हैं, इस करके जितने भी मॉडल जो उनसे हैं पहले वाले उनके सभी के प्राइस जो उनसे हैं वो कम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप में से कोई भी अगर प्लान कर रहा है डेनन का या मरांड्स का होम थिएटर लेने के लिए AVR लेने के लिए, तो भैया ये टाइम ऐसा है कि अभी अभी ले लो आप तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रेट विदाउट बिल पर आ रहा था ना उससे भी तकरीबन कई चीज़ें तो उससे भी सस्ती जो हैं वो विद बिल इस टाइम मिल रही हैं, तो वो प्राइस में जो फ़र्क है वो इसी वजह से है भैया।
हेलो सर जी, प्लीज़ एडवाइस मी होम थिएटर अराउंड 50,000। कुणाल जी, आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पर नहीं, वो क्या होती है वो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको सेटअप भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ पर बताना ऐसे देखिए मुश्किल होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं एक बार मैसेज आपका पढ़ूं और एक ही बार में आपको कम्प्लीटली हर चीज़ के बारे में रिप्लाई कर सकूं। मतलब वो बात जो सी है वो फटाफट से हो जाए, क्योंकि उसमें फिर बीच में डिले अगर आता है ना तो वो काम बहुत लंबा खिंच जाता है वो। इसलिए कभी भी कोई भी मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हो, कुछ पूछने के लिए कुछ भी करते हो, वेलकम है आप सभी का, आप जब मर्जी करो, मगर कंप्लीट मैसेज भेजा करो कि मैं सीधा का सीधा उस चीज़ का आंसर आपको दे दूँ, बस कि मुझे आपसे ना कुछ पूछना ना पड़े उसके लिए दोबारा से। कैरियर डिगोडर दो चैनल प्री एम्पलीफायर फैसिलिटी वाला AVR। सर ऐसे देखो, ये कैरियर जी मेरे को तो देखो याद में दिमाग में ऐसे अभी तो आएगा नहीं, बाकी बहुत से एम्पलीफायर ऐसे हैं जिसके अंदर प्री आउट दी होती है, सभी चैनल्स की भी दी होती है इवन, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना, मैं एक बार सर देख कर एक बार ही कि किसमें 2 चैनल की दी गई है, अगर आपको 2 चैनल ही चाहिए तो मैं उस पर आपको बता दूंगा। और सेकेंडली ये भी साथ ज़रूर बताइएगा कि आप किस सेटअप के लिए लेना चाह रहे हो और क्यों लेना चाह रहे हो, ये भी बता दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से आपको आंसर करूँगा। तो ये जोश जी कह रहे हैं सर मैंने बजट बताया है ऊपर, नहीं नहीं सर आपने तो बजट बता दिया वो ठीक है मैं समझ गया, बट वैसे बता रहा था मैं सभी के लिए बोल रहा था, आपको स्पेशली आपको नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ, सभी के लिए बोला है मैंने, तो आप मेरे को वहाँ पर इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। और बाकी यार वीडियो को लाइक करते रहना, आप लाइक नहीं करते बड़ी गलत बात होती है, बड़ी गंदी बात होती है ये वाली। विनोद जी हाय, विनोद जी हाय, हेलो कैसे हैं DDG लॉजिटेक कैसे भैया? देखो पर्सनली लॉजिटेक को मैंने ये आप DDG आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैंने पर्सनली कभी भी इसको यूज़ नहीं किया, इवन इसका कोई भी मॉडल यूज़ नहीं किया, बट वीडियो बनाने से पहले छोटा सा डेमो ज़रूर लिया था इसका देखने के लिए, फिर वीडियो बनाई थी इसकी। तो आप अपने लेवल पर आप देखिए कि आपको कैसा लगता है, मेरे पसंद हो सकता है आपसे अलग हो, जाहिर सी बात है कि अगर मैं हाई एंड ऑडियो के अंदर काम करता हूँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपका बजट उसके हिसाब का है और आप वो लेना चाहते हो तो एक बार डेमो ले सकते हो उसका, उसके बाद में आप उसको खरीदो, किसी की बात अरे किसी की बात पे मत लो। उमेश जी भाई एक बात बताओ, ठीक है जी मेरे पास ऑन की ओ 550 एम्प है, मैं उससे ऑन करता हूँ तो ऑन नहीं होता, ओनली रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है, सोल्यूशन क्या है बताओ। उमेश जी आपका जो सा रिसीवर है वो देखो गया हुआ है प्रोटेक्शन मोड के अंदर, तो इसको रिपेयर ही करवाना पड़ता है, इसमें कुछ पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया होता है कि आगे का जो सर्किट होता है हमारा वो ख़राब ना हो, तो वो जो पार्ट है उसको ठीक करवाना, उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है, तो वो रिपेयरिंग ही करवानी पड़ेगी आपको, और तो कोई उसका इलाज है नहीं। लॉजिटेक DD कैसे है? अच्छा जी बता तो दिया DD भाई साहब, 4 बार पूछने से मेरा रिव्यू थोड़ी बदल जाएगा, एक बार में ही रिव्यू दे दूंगा मैं अगर देने वाला होगा तो। उत्तरी पॉइंट यहाँ तो बहुत सारे मैसेज आए भाई साहब अभी तो मिस हुए हुए, तो मैं यार फटाफट से पहले, ओह ये लॉजिटेक के पीछे पड़ गए हो यार भैया आप DD भैया। सतीश जी आपका एक मैसेज यहाँ पे डिलीट हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता मगर 21/1 पर जो सा मैसेज आया हुआ है। तालीवाल सिंह हेलो 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 तालीवाल साहब, क्या हाल चाल? शोभित जी हेलो, रमन जी HDMI के भी वर्जन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं सर, अभी जो उनसे पहले चल रहा था वो 2.0 चलता था, अभी जो उनसे वो 2.1 चल रहा है। सचिन जी कह रहे हैं 2 दिन पहले हमने सेट लिया था आपसे डैनन तालीवाल, उसका क्या एक्स्ट्रा रिमोट मिल जाएगा सेकंड हैंड प्राइस? सचिन जी एक्स्ट्रा रिमोट देखो किस लिए चाहिए प्लीज़ ये भी एक बार बता दो मेरे को, तो कोई क्या सोल्यूशन उसका जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, पहले अगर ये बता दो कि चाहिए किस लिए आपको। DD जी थैंक्स, भैया थैंक्स मत करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को शेयर करो। बल्लू भाई, सॉरी भाई, मेरा बजट 25 तक का है। बिल्कुल सर कोई बात नहीं, इसमें सॉरी वाली क्या बात है, सभी के बजट अलग होते हैं, मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ होगा, थर्ड पर्सन का कुछ और होगा यार। विनोद जी डैनन 250 के भी साथ स्पीकर्स कौन से अच्छे रहेंगे आपके पास हैं? भैया सेट देखो स्पीकर्स तो आपको विनोद जी मिल जाएंगे, बाकी जो बेस्ट की बात है वो देखो अभी के हिसाब से अगर देखें ना तो इलेक्ट के सिनेमा 5 जो उनसे हैं वो आप ले सकते हो, 40,000 रुपये के वो पड़ते हैं, 1 8 इंच का सबवूफर आता है और 5 उसके साथ में सैटेलाइट्स आते हैं, मतलब सॉरी 4 सैटेलाइट होते हैं, 1 सेंटर होता है, तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है एक नॉर्मल सेटअप के लिए जो सा होता है, मतलब अच्छी ऑडियो आपको उसके अंदर मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं वो।
सतीश जी सर बैकग्राउंड में ये तो आपका होम थिएटर रूम लग रहा है। हाँ जी भैया, मेरे वाला ये वहीं पे ही काम कर रहा हूँ भाई। सुनील भाई, वायरिंग्स वगैरह कुछ चेंज होनी थी, सेटअप वगैरह कुछ पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, तो वो लगा जो पिछले लाइव में एम्पलीफायर दिखाया था आपको, तो उसको इंस्टॉल वगैरह करना था, और इस चक्कर में लगा हुआ हूँ बस। अभी एक दिक्कत और हो गई है मेरे साथ में, कि जो मैंने HDMI मेरी प्रोजेक्टर पे जा रही है, जो आगे से पीछे तक जा रही है, वो जोन सी है वो पुराने वाले वर्जन की थी, तो अभी जोन सा प्रोजेक्टर और जो एम्पलीफायर मैं लगा रहा हूँ वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ तक वीडियो पहुँचती नहीं है। ब्लूरे पे लगा देते हैं तो वहाँ तक पीछे वीडियो चले जाती है, अगर डायरेक्ट एम्पलीफायर से लेते हैं हम वीडियो तो वो वहाँ तक जाती नहीं है। अब वो केबल जोन सी है वो भी बदलनी पड़ेगी, और सारी केबल जोन सी है वो अंदर से अंडर मतलब बीच में से जा रही है दीवारों के, तो ये एक पंगे वाला काम मेरे लिए और पड़ गया, इसका भी अब कोई ना कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा। सर थर्ड पार्ट जोन से ना यही तैयारी कर रहा हूँ इसका, ये पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद में थर्ड पार्ट निकाल देंगे इसका। नितेश जी थैंक यू फॉर रिप्लाइंग प्रावा, ओके कीप रॉकिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू आपका सर, और वीडियो को लाइक करते जाओ यार, जिस चीज़ को भी सवालों के सही सही जवाब मिलते जाएँ, जो सेटिस्फाइड हैं वही करें, जो नहीं है वो ना करें बेशक, बस वीडियो को शेयर कर देना, बाकी और तो क्या कर सकते हैं इसके अलावा। सचिन जी सर ये LG का साउंड बार कैसा है? भैया मेरे को देखो LG, सैमसंग, फिलिप्स, FND इस टाइप की जो भी कंपनीज आती हैं इसके बारे में नहीं पता होता, तो वीडियो भी अगर मैं बनाता हूँ किसी भी आइटम की, सोनी की बनाता हूँ या किसी या इसकी ये जो लॉजिटेक वगैरह की, तो वो भी सिर्फ एक बार डेमो देखकर उसका उसके ऊपर बनाता हूँ। पर्सनली जोन से वो ना तो मैं देखो इनका काम करता हूँ, और ना ही मैं इन्हें बेचता हूँ, ना ही खरीदता हूँ, और ना ही यूज़ कर रहे हैं मैंने कभी इनको, मगर जो रिव्यू करना होता है उसके लिए मैं ज़रूर उसका पूरा तसल्ली से डेमो लेता हूँ पहले, फिर उसको रिव्यू करता हूँ। और रिव्यू में भी आपको ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप इसे खुद एक बार डेमो लें तब लें इसे, क्योंकि क्योंकि टेस्ट जो होता है वो सबका अच्छा अच्छा होता है। मेरे को पेप्सी नहीं अच्छी लगती, मेरे को कोक अच्छी लगती है, आपको पेप्सी अच्छी लगती हो शायद, तो इसलिए अपने डेमो ले, चीज अच्छी लगे फिर खरीदे, मेरे कहने पे मत ले प्लीज। गले ही ऐसी ऐसी हो जाती है बोल बोल के। विनीत जी क्लिप्स रेफरेंस 5.1 स्पीकर के साथ कौन सा AVR अच्छा काम करता है प्राइस मिड रेंज में? तो विनीत जी मिड रेंज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यार आप 2600 ले सकते हो डेनन का, या फिर आप 3600 ले सकते हो, ये मीडियम में आ जाते हैं। तो बाकी थोड़े अगर अच्छे प्राइस तक जाते हो तो मरांच के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, NR सीरीज़ जो सी है वो थोड़ी सी सस्ती है, तो 50-60 हज़ार रुपये में आपको उसमें भी सेटअप अच्छा मिल जाएगा उसमें। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीकर कौन से हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से इसको करना पड़ता है, सजेशन लेना पड़ता है इस हिसाब का। हर्षवर्धन जी सर बिल और विदाउट बिल AVR में कोई फ़र्क होता है क्या? फ़र्क हरीश जी सिर्फ इतना होता है कि जोन सा विदाउट बिल माल होता है ना उस पर टैक्स पे नहीं किया होता। जब भी बाहर के किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ जब इंडिया में आती है ना तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है हमारी एक, तो वो कस्टम ड्यूटी जोन सी है वो पे करा होता है तो उसको हम विद बिल बोलते हैं। जोन सी चोरी पे आती है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर सेटिंग है किसी की, जो कंटेनर्स आ रहे हैं वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ के 100 पीस मंगवाए, मतलब सपोज कर लेते हैं, तो उसमें से उन्होंने क्या किया कि 50 जोन से पीस है ना, 50 पीस तो वहाँ पर शो कर दिए कि हाँ ये 50 पीस का लॉट है, और जो 50 पीस है ना उसको 2 नंबर के तरीके से एंट्री करवा लिया, तो वो जो 50 पीस है उस पर कस्टम नहीं लगा, 50 पे लग गया, तो 50 पे जिन पे लगा है वो महंगे हो जाते हैं और जिस पे नहीं लगा वो सस्ते होते हैं, कस्टम भी काफ़ी हैवी होता है, इस वजह से दोनों के रेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। बाकी चीज़ जो उनसे होती है वो एक ही जगह से आ रही होती है, वहीं बनी होती है, सब कुछ सेम होता है, बस उसमें आपको गारंटी नहीं मिलेगी मगर, क्योंकि उसका बिल नहीं कट सकता, और कंपनी पे आप गारंटी लेने जाते हो तो वो बिल मांगते हैं। सन्नी छाबड़ा जी सर रूम साइज़ के अकॉर्डिंग होम थिएटर सिलेक्ट कैसे करें? अब भैया सब कुछ सन्नी भाई आप सब कुछ आप ही कर लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम दुनिया में मैंगो लेने के लिए आए हैं, हम किस लिए बैठे हैं? इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो, उसमें अपना रूम साइज वगैरह जो भी है आपका वो लिख के भेजो, मैं आपको बता दूंगा सर कि क्या क्या लगेगा और किस टाइप से लगेगा वहाँ पर। जोश जी नहीं, हाँ जोश जी सर जी मेरा मतलब था कि कौन सा साउंड सिस्टम फॉर मूवीज एम्पलीफायर ये साउंड बार या होम थिएटर लूँ अंडर 15,000? सर ये जो जी 15,000 रुपये के आसपास में तो देखो कोई होम थिएटर्स में तो कोई ऑप्शन है नहीं है, सबसे जो सस्ता ऑप्शन भी मिलता है वो भी उसका प्राइस भी आई थिंक कोई 22-23 हज़ार रुपये होगा, जो यामा का 840 आता है, तो
अगर तो या तो आप प्राइस अपना बढ़ा सकते हो या फिर 15,000 के आसपास शायद, ये एक तो ये हो गया, और सोनी वोनी के अगर मॉडल कुछ मिल सकते हैं उसमें, तो उनकी ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। वधिया जी तुसी सुनाओ। मैं भी वधिया भाई जी। प्रवीण कुमार जी, 20,000 रुपीज़ की रेंज में बेस्ट साउंड बार कौन सा है? माई टीवी इज़ LG। प्रवीण जी अभी देखो ऐसे मेरे को याद नहीं आएगा कौन सा मॉडल है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, एक प्रीमियम साउंड बार की बनी हुई है, एक नॉर्मली साउंड बार की बनी है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें तो उसमें आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। उसमें मैंने सारी कमियां और सारी अच्छाइयां दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसे आप अपने हिसाब से अपने यूज़ के हिसाब से देख लें और आप डिसीज़न ले सकते हो उसमें। अनिल सोलंकी जी, बॉस डी सीलिंग स्पीकर वेट 13 kg, प्राइस 45,100। ये स्पीकर्स कैसा है मरान से VR को चलाने के लिए, बारे में कुछ बताएं। अनिल जी पहली बात कि सीलिंग स्पीकर किस लिए यूज़ कर रहे हो, और दूसरी बात कि मरांच का मॉडल नंबर क्या है। मतलब ये मैं आपको कहता हूँ कि मैसेज जब आप करते हो ना तो उस पर एक ही मैसेज में पूरी डिटेल दे दो, जिसके बारे में मैं, जिससे कि मैं उसी टाइम आपको जवाब दे दूँ। अभी जैसे आपने ये मैसेज किया, इसमें आपने डिटेल नहीं दी मेरे को, अब मेरे को दोबारा आपसे पूछना पड़ा ना, तो वो क्या हुआ, आपके जवाब जो है आपके सवाल का उसको डिले हो गया वो। अब वो दोबारा से पता नहीं, अभी जैसे काफ़ी मैसेजेस पहले मैं पढ़ूंगा, धीरे 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 नीचे जाऊंगा तब फिर आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। हाँ जी योगी, बहुत बढ़िया हूँ सर मैं, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी बैक पेन कैसी है? सर अभी है प्रॉपरली नहीं कह सकता, ठीक है। एक्चुअली कल वैसे बहुत ज़्यादा फर्क हो गया था, कल अगर वो ये सेटअप कर रहा था तो दोबारा से नीचे से कुछ उठा लिया तो उसकी वजह से फिर से दिक्कत हो गई, तो अभी भी एक साइड जो है, जो ये साइड है अभी यहाँ पर अभी भी है, नीचे झुकता हूँ या जैसे खड़े होकर नीचे झुकते हैं तो उसमें अभी भी प्रॉब्लम आती है। सतीश कुमार जी, 2600 AVR रिसीवर आपके पास अवेलेबल है क्या, इसका प्राइस क्या है विद एंड विदाउट बिल? सतीश कुमार जी, डेनन के देखो अभी डेनन का या मरांच का कोई भी चीज़ आपको विदाउट बिल इस टाइम नहीं मिलेगी, आपको विद बिल ही मिलेगी, क्योंकि विद बिल ही का जो प्राइस है ना वो अभी विदाउट बिल के आसपास ही आ चुका है। आई थिंक कई मॉडल हैं जिसका उल्टा और कम हो गया अभी, तो वो विद बिल ही मिलेगा। और 2600 का जो प्राइस है उसका MRP आप देख लो एक बार होगा, तो उसके ऊपर आपको 38% का आ गया डिस्काउंट। और जिसने यार पहले पूछा होगा तो मैंने आपको 45 का डिस्काउंट बताया होगा कि 45% का, 35% का आपको डिस्काउंट बताया होगा, तो अभी जो सा आज मेरे पास रेट आया उसके हिसाब से आपको 38% का लेस मिल जाएगा MRP के ऊपर। कादिर भाई हेलो, कैसे हो कादिर भाई? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आपके भाईजान। आपका मैसेज है 50,000 में डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर, सिर्फ 50,000 के अंदर में कोई होम थिएटर नहीं आता जो डॉल्बी एटमॉस। रुपेश कुमार जी, AV रिसीवर उसके साथ स्पीकर। रुपेश जी क्या लिखा है ये आपने, क्यों लिखा है मुझे नहीं समझ लगी। AV रिसीवर उसके साथ स्पीकर मतलब। जय हिंद अजीत भाई, कैसे हो, लेट हो गए, पिछली बार आए भी नहीं। रमन जी, बॉस के स्पी सर, बॉस के भी रिसीवर आते हैं स्टीरियो वाले? नहीं सर जी, बॉस का नहीं आते। जफर अली, मेरा LED TV में HDARC पोर्ट और ब्लूटूथ नहीं है, ऑडियो आउटपुट है यामा से वर्क करेगा? सर ऑडियो आउटपुट क्या है उसमें, एनालॉग दे रखी है, ऑप्टिकल दे रखी है, क्या दिया हुआ है उसमें? जफर अली जी आपके लिए है ये सवाल। अरुण कुमार जी, सर कहाँ गया, कैन यू सजेस्ट बिटवीन डेन एंड 1600? सर सेम ही है, देखो कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर, ज़्यादा वो सीरीज़ अलग अलग निकालनी होती है इसलिए कंपनी कोई ना कोई करती है। ये एक्चुअल में है क्या कि जब भी कंपनी कोई मॉडल बनाती है ना, तो वो जैसे मान लो किसी और कंट्री के लिए बना तो उसका मॉडल नंबर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ के लिए बना उसका मॉडल नंबर डिफरेंस होगा, तो इसी तरीके से कुछ फ़र्क डाल देते हैं ये, बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। मेरी ईसाई बीच में ही रह गई है। जो जी सर, सर जी जेबरोनिक प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है आपकी? सर जी मैंने अभी देखो बताया है कि ये जो उनसे
मतलब अब मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। देखो सोनी है ना, जो सोनी, सोनी से नीचे की जो जितनी भी कंपनी है ना उसके बारे में सर जी मेरे को कुछ भी नहीं पता। राव जी क्या कह रहे हैं जी, डॉल्बी एटमॉस कम से कम होम थिएटर कितने में आ जाएगा? सर जी ये मिस्टर राव, डॉल्बी एटमॉस थिएटर देखो तकरीबन कुछ 45-45 के आसपास में थोड़ा कम हो गया रेट आज का वैसे, तो उसके अंदर तो आपको मिल जाएगा 42 या 43 में आपको मिल जाएगा वो डेनन का 1600 मॉडल, ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ ठीक है जी। 45 तो वो हो गए, और बाकी 40,000 के हमारे इलेक्स सिनेमा 5 है जिसके अंदर 5 स्पीकर मिलते हैं और एक सबवूफर मिलता है, तो 40 और 40 80 और 82 या 83 बने। उसके बाद में हमें चाहिए हैं दो स्पीकर सीलिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो उसके अंदर 15,000 रुपये का पेयर है पॉल्क ऑडियो OWM का 3 का, तो कितने हो गए मतलब 95,000 हो गए, वायरिंग वूरिंग ये वो मिलाकर आपको 1,00,000 तक का पड़ेगा सर वो। रमन जी स्टीरियो एम्प में भी टेक्नोलॉजी आती है क्वालिटी एनहांस के लिए? बिल्कुल सर, होता है जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर में, चाहे वो स्टीरियो एम्प हो चाहे वो मल्टी चैनल एम्प हो, सारा जो गेम होती है वो तो कंपोनेंट जो उनसे अंदर यूज़ किए जा रहे हैं उसके उनका ही तो खेल है सारा। ट्रांजिस्टर कौन से लगे हैं, कैपेसिटर कौन से लगे हुए हैं उसमें, इवन वायरिंग तक का फ़र्क आता है। अब जो उनसे आते हैं उनके अंदर इनबिल्ट डैक भी आ रहा है जो अगर आप डिजिटल तक जाते हैं तो, बट उनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा मेरे को अच्छी नहीं लगी। जो हमारे विंटेज स्टफ़ हैं असली मज़ा तो ऑडियो का जो है उनके अंदर ही आता है। जफर अली जी ये कमेंट आपका डिलीट हो गया है सर, पता नहीं आपने क्या लिखा था। पुनीत जी हेलो जी, हेलो पुनीत जी, ये सैटेलाइट स्पीकर का फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर होता है? एक वीडियो में देखा THX सर्टिफाइड 80 हर्ट्ज़ के होते हैं बट स्पीकर 150 हर्ट्ज या उसके ऊपर का आता है। फ्रीक्वेंसी देखो स्पीकर की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पीकर का हमें दिया गया होता है वो होता है कि कितना डाउन है और कितना हाई है ये बताया गया होता है ना उसमें। तो डाउन का मतलब होता है वो कितने हर्ट्ज तक की बेस, मतलब जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है वो बेस होती है हमारी, तो वो कितनी हैंडल करता है, और हाई जो है यानी कि जो झनकार कह लो आप वो कहाँ तक जाती है, तो उसका यही होता है। बाकी मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार यार। हाँ THX का आप पूछ रहे हो ना, हाँ तो वो तो सर हर एक स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अपना अपना होता है, किसी का 80 होता है, किसी का और भी कम हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि THX है अगर वो तो उसका कम होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। जफर अली जी LED में एनालॉग येलो और रेड पिन है सर, वक्त तो कर जाएगा वो एनालॉग कनेक्शन आपको जफर भाई देना पड़ेगा उस पर, तो उसके बाद में आपका जो AVR है वो उसको डीकोड कर लेगा अगर आप उसे मल्टी चैनल पे चलाना चाहते हो, जैसे सराउंड पे चलाना चाहते हो अगर कि सराउंड साउंड आपको मिले, तो वो उसको डीकोड करेगा और उसके बाद में उसको 5-channel ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। चला आप सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं चला सकते। AV रिसीवर जो सपोर्ट करता हो डॉल्बी एटमॉस और उसके साथ स्पीकर सिस्टम कौन सा सपोर्ट करेगा? रुपेश भाई अभी अभी बताया ये मैंने जस्ट कि 1600 नंबर डेनन का इलेक के सिनेमा 5 और पॉक ऑडियो के दो स्पीकर एटमॉस के लिए वो, तो टोटल जोन सा है वो 95,000 बनता था, वो आपने आई थिंक सुना नहीं, वो मैंने अभी अभी बोला है वो। रमन भाई विंटेज स्टीरियो एम्प कौन सी कंपनी में मिल सकते हैं? सर काफ़ी कंपनी है भैया, रमन जी नेड है, सेंसुई है, अकाई है, टेक्निक्स है, सभी जितनी भी कंपनी अभी भी जो उनसी चल रही है डेनन है या कुछ है, हर एक कंपनी का विंटेज एम्प होता है, 100-150 साल पुरानी कंपनी है यार। अरुण कुमार जी आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू बाय स्पीकर सिस्टम एंड कंसेंट्रिंग टाया हारमनी से पॉल्क SE एंड पॉल्क T50 सीरीज, योर एडवाइस? सर टागा हारमनी से तो देखो पॉल्क जोन से वो बेटर ही है, सीधी सी बात, जो टागा हारमनी है वो तो पता नहीं क्या है, वो बस सस्ते हैं वो, अगर तो आपने एक लुक के लिए लेने अपने घर की शोभा बढ़ानी है कि हाँ भाई मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है तो आप टागा भी ले सकते हो कि सस्ते में आपका डेकोरेशन पूरा हो जाएगा। अगर आपको एक परफॉर्मेंस लेवल चाहिए तो फिर टागा को टाटा कर दो।
आगे चले तो राव साहब, बेस्ट डॉल्बी एटमॉस के लिए कौन सा बेस्ट एवी रिसीवर 5.1 या सर 5.1 के अंदर में कोई डॉल्बी एटमॉस एनेबल स्पीकर रिसीवर नहीं होता है। रिसीवर कॉन्फ़िगरेशन जो सी एटमॉस के लिए होती है वो मिनिमम जो सी है वो 7 चैनल चाहिए होते हैं हमें उसमें। जफर भाई थैंक यू मत बोलो, आप बस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने कर वो है, कितने हुए हैं वैसे अभी बताओ, 31 लोग हैं और लाइक जो सी हैं वो 13 हैं बताओ जी, तो बोलने की देर है, 31 बोलने 30 हो गए, लाइक नहीं करते, तुम्हारे पैसे लगते हैं क्या लाइक करने के? नहीं क्या है, क्या परेशानी क्या है तुम्हें यार, क्या परेशानी है तुम लोगों को भैया, मेहंदी लगा कर बैठे हो क्या तुम्हें? आए किसी ने सीरियस ले ली मेरी बात, 2 लाइक बढ़ गए भाई साहब, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ ऐसे बोलने में, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही बोल दिया करूँगा, मतलब लाइक करने के लिए यार याद दिलवाना पड़ता है यार, ये कोई बात होती है यार? आपको सवाल का जवाब मिले बड़ा भाई साहब उसी टाइम लाइक मार दिया करो अगर मेरा आंसर उसका विल है तो, बाकी प्यार मोहब्बत है तो फिर तो अपने आप ही मार दिया करो। योगू है योगी आए थे ना, कोई अच्छे ब्रांड का स्पीकर वायर बताओ सर जी। स्पीकर वायर अच्छे ब्रांड की देखो जी, कौन सी है, एक तो प्रॉफी गोल्ड है उसकी भी अच्छी है, और अगर सस्ते वाली आप लेना चाहते हो तो वो बैंड्रीज वगैरह जो है कंपनीज हैं एक दो उनकी आप ले सकते हो। अगर एक अच्छी काफ़ी अच्छी केबल जिस टाइप से ये आप केबल देख रहे हो इस टाइप की केबल अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो जी, कॉर्ड है और ऑडियो क्विस्ट है, कोड है, इस टाइप से यार काफ़ी कंपनियाँ हैं यार, याद नहीं आ रही अभी मगर, बट महंगी होती हैं ये। डैनन 2600 का एक रिव्यू बनाओ सर। सिद्धि जी एक बार स्टॉक आ जाए 2600 का तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक बार आ ही जाएगा ना तो साथ ही में उसके अनबॉक्सिंग भी देख लेंगे, उसी में रिव्यू भी हो जाएगा, उसमें सब कुछ कर देंगे, तो थोड़ा सा वेट अगर कर ली जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ना मेरे को ना एक किसी ने कमेंट करा था, वो कमेंट जोन सा था ना यार, मेरे को ना बड़ा फील हो गया था वो वाला, आपको सच बताऊँ तो उसमें मैंने किसी चीज़ का रिव्यू किया था और वो चीज़ मतलब ये एक्चुअल में नहीं मैंने दिखाई थी, वो सिर्फ ऐसे ही जैसे नेट से फ़ोटो निकाल के हम रिव्यू कर देते हैं ना, तो हालांकि वो जोन सा एम्पलीफायर था वो पड़ा भी हुआ था मेरे पास में, ऐसा नहीं था, बट वो है कि अब ऊपर जाऊँगा मैं, पहले ऊपर से फिर उठा के नीचे लेके जाऊँगा, फिर नीचे जाके उसका रिव्यू करूँगा, फिर उसको उठाऊँगा, फिर ऊपर लेके जाऊँगा, तो इस सबसे बचने के लिए नेट का यूज़ कर लेते हैं हम कि चल फोटोज़ वहाँ से ले लेते हैं। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि रिव्यू करना है ना अगर तो एक्चुअल चीज़ का करा करो, फोटो में मत दिखाओ हमें, तो हालांकि उसको मैंने रिप्लाई तो किया था कि मैं भाई अगर एक्चुअल चीज़ भी रख देता हूँ यहाँ पर वीडियो के अंदर तो तुम्हारे लिए तो वो तब भी फोटो ही है ना यार, तुम कोई हाथ डाल के थोड़ी देख लोगे उसमें, तो ये था। बाकी फिर उसने रिप्लाई किया था कि हाँ तेरे को तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा, लेना तो दूर की बात है, तो यार ये बात बड़ी ना मेरे को झटके सी लगी थी, तो इसलिए अब मैं रिव्यू जो उनसे सोचता हूँ करने का वो जो चीज़ हो ना मेरे पास मैं उसी का करूँ यार। कमेंट्स हो गए हैं थोड़े से ज़्यादा तो इसके लिए हम पहले कमेंट का जवाब दे देते हैं फटाफट से। कहाँ तक गए थे यार हम, डॉल्बी एटमॉस सेटअप कितने का आएगा? जिमी जी सेटअप कितने का आएगा ये कोई सवाल नहीं होता, देखो सबसे पहली बात सवाल ये होता है कि भैया 1 लाख रुपए में डॉल्बी का एटमॉस सेटअप कौन सा अच्छा होगा या जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से, क्योंकि अच्छे का मतलब तो अच्छा होता है, तो मैं आपको अच्छे वाला बता दूंगा तो वो तो शायद हो सकता है मैं भी ना ले पाऊँ उसे। जेम्स कॉन्फी सर टॉप 5 और 10 साउंड बार और होम थिएटर विद ऑल लेटेस्ट फीचर का वीडियो कब बनाओगे सर? सर ये दोनों वीडियो देखो एक बार में तो नहीं बन सकती, साउंड बार की अलग बनेगी, होम थिएटर की अलग बनेगी। अभी देखो होम थिएटर में क्या होता है ना, होम थिएटर में अगर आप एक अच्छा होम थिएटर, जैसा कि आपने मेरे को कमेंट किया है, मेरी ना यार दर्द होने लगी इस पे बैठ के, एक मिनट के लिए होल्ड करोगे यार प्लीज़, मैं कुछ नीचे ना गद्दी सी रख लूँ, मेरे को दर्द होने लगी पीछे, एक मिनट के लिए होल्ड दो मेरे को बस, मैं कुछ रख लूँ यार सीट के नीचे ना, ओए उठा भी नहीं जाता मेरे से तो, वैसे पेट की ऐसी तैसी हुई है उठा भी नहीं जाता।
अब कहाँ गया मेरा माइक? हाँ जी सर, अब थोड़ा सा ठीक हो गया। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? जी तो जेम्स जी, आपका मैं जवाब का दे रहा, आपके सवाल का दे रहा था। तो 5 टॉप या 10 के, 10 का तो नहीं मैं करूँगा, 5 का ही करूँगा। तो साउंड बार का तो देखो हो चुका है वैसे पहले भी, आपने पता नहीं वीडियो शायद ना देखी हो। बाकी जो सा होम थिएटर का, होम थिएटर में क्या होता है कि 5 वैसे AVR जो है उसके मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। वैसे जो सेटअप की, कंप्लीट सेटअप की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि AVR देखो अलग होते हैं, साउंड बार सॉरी स्पीकर जो उनसे हैं वो अलग से लेने होते हैं, तो उसका इस वजह से होता है। तो एक काम हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर टॉप 5 स्पीकर पैकेज, इसका वीडियो बना सकते हैं हम। तो कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। विक्रम जी, केनवुड का 880 कैसा रहेगा घर के लिए? सर मेरे को ऐसे मॉडल से, विक्रम जी याद नहीं रहे आएगा, ध्यान में नहीं आएगा मेरे कि कौन सा मॉडल है ये, तो इसलिए मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा। सचिन जी, कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो सिनेमा साउंड एक्सपीरियंस कर दे। बिल्कुल दे देगा सर जी, सचिन जी कोई दिक्कत नहीं है। आप बजट बनाओ अपना, एक अच्छा खासा बजट बनाओ, तो बिल्कुल सिनेमा हॉल, क्या सिनेमा हॉल से ज़्यादा अच्छा आपको मैं परफॉर्मेंस दे दूंगा। बाकी यार कोई दिल्ली का बंदा नहीं है क्या मैं जो उनसे आता हो यहाँ पर? मेरे को 3 बंदों की ज़रूरत है, कोई 3 बंदे आ जाओ। एक वीडियो बनाने के लिए चाहिए जिसके अंदर की सिर्फ हमने ये दिखाना, क्योंकि मेरी बात तो मानेगा नहीं कोई, कि मैं तो वो कहेंगे कि हाँ इसकी चीज़ है तो ये तो अच्छा ही बोलेगा। तो मेरे को वो बंदे 3 चाहिए जिनको मैं डेमो दूंगा एक हाईफाई सिस्टम का, तो उनका क्या रिव्यू आता है वो, उसके ऊपर वीडियो बननी है। एक तो उसके लिए 3 बंदे चाहिए, दिल्ली वाले बंदे होंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि बाहर से इस टाइम कोई आएगा नहीं। सेकेंडली ऐसे बंदे अगर हों जिन्होंने जो कि सोनी यूज़ कर रहे हों, या फिर पाइनियर क्या है वो यामा का सेट है वो यूज़ कर रहे हो, मतलब इस टाइप के कोई भी कंपनी का सेटअप जो यूज़ कर रहे हो, अगर ऐसे वो बंदे 3 हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि वो ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकेंगे कि हाँ उनके सिस्टम में और इसके इस सिस्टम में क्या फ़र्क आता है। तो अगर कोई है तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो और फिर उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कब मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबका टाइम वगैरह लेके। जितेंद्र हेलो, हेलो जितेंद्र जी कैसे हैं? जिम्मी कुमार जी, रूम साइज ये है ये है। सर जिम्मी जी इंस्टाग्राम पर भेजो मैसेज प्लीज़, यहाँ पर तो नहीं बताया जाएगा ऐसे, इतना दिमाग में नहीं होती चीज़ें। रमन जी, दिल पे ना लिया करो बात को यार, खुश रहा करो। ओ सर जी, अपना रमन भाई जी, वो तो वैसे यार एक मजाक कर रहा हूँ मैं तो वैसे ही नहीं किसी को सीरियस लेता। और ऐसे बंदों को क्या सीरियस लेना है, मतलब जिस जो कमेंट्स आते हैं ना उसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे तरीके के भी होते हैं, तो उनको अगर सीरियस लेने लग गए ना फिर तो भाई साहब ये चैनल बहुत जल्दी बंद करना पड़ जाएगा मेरे को। ऐसे बंदों वो तो वेले हैं कुड़ी ये भाई। विक्रम जी कह रहे हैं निको का 5055 कैसा है घर के लिए यूज करना है? विक्रम जी निको का 5055 देखो मॉडल तो मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी ये है कि निको के जितने एम्पलीफायर मैंने अभी तक यूज़ किए हैं ना सारे अल्टीमेट हैं यार, सीरियसली कह रहा हूँ आपको। अब मेरे को मॉडल तो ध्यान में नहीं है इसका, एक मेरे पास इसका एम्पलीफायर था विंटेज में, सिल्वर कलर का था, लकड़ी की कैबिनेट में, वो 22 वाट्स का एम्पलीफायर था वो पर चैनल, मगर भाई साहब जो वो बचता था वो मेरे को अभी तक याद है। मैंने वो 1 या 1.5 साल तक तो बेचा नहीं था, मैंने पर्सनल यूज़ में रखा था वो, और जिसको बेचा भी है ना उस बंदे से भी ये कमिटमेंट लिया है पहले, कि काफ़ी अच्छे मतलब क्लाइंट हैं वो मेरे, कि सर जी जब भी आपने इसको बेचना है ना ये आप बाहर कहीं नहीं दोगे किसी को, ये आप मेरे को ही वापस करोगे, ये उनसे कमिटमेंट लिया है पहले मैंने, तब मैंने एम्पलीफायर उनको दिया है ये वाला। निको के एम बहुत अच्छे आते हैं यार, नो डाउट। ये भी निको ही है मेरे ख्याल से, हाँ एक ये प्री पड़ी है निको की मेरे पास में, प्री एम्पलीफायर है ये भाई साहब। इसको भी ये लगा लो कि अभी तक तो प्रोग्राम जो उनसे है ना बेचने जैसा ही है, बाकी ये है कि ज़्यादा देर तो ये रहेगी नहीं वैसे, क्योंकि इसको बेचना ही पड़ेगा।
क्योंकि सेटअप के साथ में कोई और से जब एम्प लग जाएगा तो इसको फिर निकाल के दूसरा उसके मैचिंग का ही लगाएंगे उसमें। तो आगे चलते हैं दोबारा से। ये भी हो गया था ना जितेंद्र जी, कौन से ब्रांड में डील करते हैं? जितेंद्र जी हम करते हैं देखो जी एम्पलीफायर, अगर रिसीवर की आप बात करते हो तो रिसीवर में हमारे पास डेनन में करते हैं, मरांच में करते हैं, और कौन सी होती है, ऑनक्यो है, हारमन गार्डन है, इसमें सब में ही करते हैं। बाकी ऑन ऑर्डर करते हैं जो उनसा तो वो उसमें तो पाइनियर भी आ जाता है और यामा भी होता है, पाइनियर भी होता है, यूज के अंदर भी दोनों ही होते हैं, और स्पीकर्स में भी इस टाइप से काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी ब्रांड है, ऐसा तो याद वो नहीं है, सारे ब्रांड होते हैं, कस्टमर के ऊपर होता है वो तो क्या चाहिए उसको, ब्रांड सारे मिल जाते हैं। आई नीड अ कैसेट डेक प्लीज़। सर कैसेट डेक मेरे पास में एक अरुण जी पड़ा तो हुआ है, वो कंपनी भी मुझे इस टाइम ध्यान में नहीं है उसकी कौन सी है वो, मगर है सही है वो, ब्लैक कलर का ही पड़ा हुआ है एक, कौन सी कंपनी का था वो, कैनवुड का मेरे ख्याल से, शायद कैनवुड का है, तो वो 5,000 रुपये में मिल जाएगा सर। और चल जा गुरु। अनिल जी मरांड्स 1609 डॉल्बी एटमॉस। अनिल जी मैसेज भेजो इंस्टा पे, वहाँ बात करो डिटेल के साथ, क्योंकि ये जो आप अभी यहाँ पर मैसेज करते हो ये सेव नहीं रहते, ये जब लाइव ख़त्म होगा ना ये सभी मैसेज हट जाएंगे यहाँ से, वो दोबारा दिखते नहीं है फिर। सतीश कुमार जी डेनन 2600 में क्या एक अच्छा डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस मिलेगा सर, इसमें कौन से स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे? सर सतीश जी देखो एटमॉस का इफेक्ट जो है वो तो 1600 में भी बुरा नहीं है, इवन जो 1300 नंबर है उसमें भी कोई बुरा नहीं है, सब में सेम होता है, बाकी ये डिपेंड करता है स्पीकरों के ऊपर। तो स्पीकर्स देखिए आपने लिखा है जो मुझे कौन से स्पीकर लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा कोई मतलब एक एग्रीमेंट नहीं होता इनका कि इसके साथ यही स्पीकर लगेंगे, वो आपके बजट के हिसाब से होता है कि बजट आप कहाँ तक लेके जा रहे हो, भाई जितना बजट आपका होगा उस हिसाब से चीज़ आपको उतनी अच्छी सॉरी उतनी अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। सोनी रूबल जी सोनी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा सॉरी आपको। जावेद छू हेलो सर, हाँ जी जावेद जी हेलो कैसे हो? परवीन जी भाई मेरे पास फिलिप्स का होम थिएटर साउंड सैटेलाइट स्पीकर फ्रंट स्पीकर एंड सबवूफर है, उसके लिए मिड रेंज में डॉल्बी डिजिटल प्लस DTS को सपोर्ट करने वाला मिड रेंज एम्पलीफायर बताएं। परवीन जी सबसे पहले देखो आपके पास जो से स्पीकर हैं आपने बताया मुझे फिलिप्स के हैं, तो सबसे पहले तो उनकी इंपीडेंस देखो आप कितनी है कि क्या लोड है उनका, अगर तो वो 4 ओम से लेके 16 ओम तक के होंगे तब तो आपके वो किसी भी रिसीवर पे चल जाएंगे, अगर वो 4 से नीचे हैं आपके तो कोई भी रिसीवर जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उस पर नहीं चलेंगे आपके, अगर वो 4 ओम से नीचे के हैं तो। जेम्स जी जैसा आपने नाकामिची वाला बनाया था और था तो पहले साउंड बार का ही बना दो सर टॉप 5। ठीक है सर, टॉप 5 साउंड बार का आपने बोला है ना, तो सर साउंड बार किस हिसाब से आप देखना चाहते हो, मतलब मीडियम रेंज चाहिए आपको, हाई एंड के अंदर चाहिए या लो बजट वाली चाहिए? वीडियो वैसे बना हुआ है, एक दो वीडियो बने हुए हैं साउंड बार के ऊपर, आप एक बार वो देख लो तब भी आपकी कन्फ्यूजन सर दूर हो जाएगी। जावेद जी क्या हाल है सर? सर मैं बहुत बढ़िया जावेद भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? विनोद जी हेलो सर, विनोद जी हेलो नमस्कार कैसे हैं, गुड इवनिंग। सुभाष जी यूज़ सोनी होम थिएटर अग्री टू कम एंड जॉइन, बिल्कुल थैंक यू सर। सुभाष जी इंस्टाग्राम पर देखिए मैसेज भेज दीजिए, तो जैसे ही तीनों हो जाएंगे तो आपस में एक बार पहले बात करके टाइम वगैरह फिक्स कर लेंगे कि सबके लिए जो कि सुटेबल रहे टाइम, तो फिर हम वो वाला प्रोग्राम अपना कर लेते हैं। सेटअप मैं अभी बना ही रहा हूँ पूरा, दोबारा से लग रहा है, तो 2-4 दिन में सेटअप भी कंप्लीट कर देंगे तो बंदे भी जन से आ जाएंगे। बाकी और भी भाई लोगों कोई है आने वाला तो बता दो, 3 बंदे चाहिए अभी, एक ही आए हैं बस, एक नहीं 2 हो गए, एक तो सुनील जी भी आएंगे हमारे पास में, ओके ओके 2 हो गए, एक बंदा और चाहिए यार, मिलेगा तो ठीक है नहीं तो 2 पे ही कर देंगे काम। तो आप सुभाष जी प्लीज़ यार मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दो प्लीज़ 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 वाला। विनोद जी प्लीज सजेस्ट डेनन 2600 वर्सेस 2400 एंड पोल कॉडियो 1600 वर्सेस। विनोद जी ये इलैक जोन से हैं, इलैक के जो सिनेमा 5 है वो ज़्यादा बढ़िया है पोल्क वाले से, अगर आप उसके ब्लैक स्टोन से उसको कंपेयर करते हो, अगर आप जो 1600 है उससे
और 2400 और उसमें 2400 और 2600 में कोई खास फ़र्क तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है। वोल्टेज वगैरह देखिए सेम है, शायद कुछ वर्जन वगैरह का फ़र्क होगा, तो एक बार देख के बता पाऊँगा आपको मैं एग्जैक्टली। आप भी अगर जानना चाहो तो अपना क्या होती है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दो, तो वहाँ पर एक बार ही मैं चेक करके पहले फिर आपको वहाँ पर उसका जवाब दे दूँगा। सचिन से थोड़ी सर मेरे पास सोनी यूज़ कर रहा हूँ, आ जाऊँ? बिल्कुल सर सचिन जी बिल्कुल आओ यार, दो बंदे चलो तीन हो गए, वैसे तो तीन नहीं, एक और अगर मिल जाए तो। अपना क्या नाम था आपका? हाँ जी सचिन जी, यार एक ना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो आप भी, तो वहाँ पर बात करके जो भी टाइम वगैरह हम देख लेंगे आपस में सारे बात करके, है ना। एक बंदा हो रहा है तो और आ जाओ यार, जो कि सोनी का या कोई इस टाइप का होम थिएटर यूज़ कर रहा हो। बाकी आप दो लोग जो उनसे हैं सर वो मेरे को याद से इंस्टा पर मैसेज कर देना। विक्रम सिंह जी, सर मैं पाली राजस्थान से हूँ, मैं अपने को तैयार हूँ, आने को तैयार हूँ, डेमो भी हो जाएगा और मुझे साउंड लेना भी है। बिल्कुल सर विक्रम जी बहुत बढ़िया सर, आइएगा आप। तो आप भी सर एक बार इंस्टाग्राम पे भेज दो मेरे को, तो उसमें फिर टाइमिंग जो भी हमारी बनेगी तो उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट करके आपस में सारे बंदे तो प्रोग्राम बना लेंगे। आपने भी जैसे दूर से आना है तो मोस्ट जो सा पहला प्रेफरेंस तो यही रहेगा मेरा कि आपको वो टाइम सूट करता हो, क्योंकि बाकी तो दिल्ली के लोग हैं तो दिल्ली में से तो देखिए आ सकते हैं, आप अगर बाहर से आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम उसमें आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे तीन बंदे जो उनसे हैं यार वो प्लीज़ मैसेज कर देना, ठीक है, फिर करते हैं अपना कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में। तो चलिए भाई साहब तीन बंदे पूरे हो चुके हैं, और भी कोई आने का इच्छुक हो तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि तीन ही बुलाने हैं मैंने। कौन सी वायर है आई ये? जावेद भाई क्या पूछ रहे हो आप, कौन सा वायर है ये मेरे ख्याल से आप इसकी पूछ रहे हो क्या? ये सर है उसका कॉर्ड का CHORD, ये जो वायर है ये भैया बहुत कॉस्टली वायर होती है, तो मैं पूरी सिस्टम में ना ये यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ मैं अपने जो फ्रंट स्पीकर है ना हमारे जो हैवी स्पीकर्स जैसे लगते हैं अगर, तो वहाँ पर मैं इनका यूज़ करता हूँ, पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जितने का एक नॉर्मली सिस्टम पूरा बनता है ना तो उतने की ये सिर्फ वायर वायर ही आती है, तो सब पे तो मैं इसे नहीं अफोर्ड कर सकता। राव साहब 40,000 के अंदर 7.1 AV रिसीवर, सर 40 के बाद में 42 अगर आप करो इसको, 42 रेट शायद 42 या 43 बैठता है नेट, तो आपको डेनन का 1600 मिल जाएगा ब्रांड न्यू डब्बा पैक विद बिल, एक साल की खुश नसीब गारंटी के साथ। पुनीत जी पोल कार्डियो मैगनी मिनी अगर अपने सोना हो पर्सनली तो उस पर अपना व्यू दो। नहीं सर जी मैंने नहीं सुना, माफ़ी चाहूँगा पुनीत भाई। सर ये जो कंपनीज है ना जैसे ये पोल कार्डियो हो गया, इनके सिर्फ ना मैं वही स्पीकर लेता हूँ जो उनसे अच्छे होते हैं, ज़्यादा मतलब जो उनसे है ना वो मैं नहीं डील नहीं करता उसके अंदर, बाकी कोई कहता है तो मंगवा के तो दे ही देते हैं, बट ज़्यादा उसका रिव्यू अगर आप कहो तो वो नहीं मैं कर सकता, बाकी ये जो उनसे आप कह रहे हो ठीक होते हैं, ये भी अभी सुने तो नहीं मैंने ये, बाकी सुनने के बाद ही पता लग पाता है एक्चुअली। तो यार एक मिनट मैं एक फ़ोन उठाना पड़ेगा मुझे, बीच में होल्ड कीजिए। हेलो हाँ जी आना है सवेरे, तुम किन्ने 5 बजे सवेरे 5 बजे ना? हाँ जी ठीक है ओके। हाँ जी जी दोस्तों, तो क्या कह रहा था यार मैं भूल गया। प्रीतम कुमार जी हाय ब्रो, मेरा सोनी का सिस्टम है, तो सर आप भी मैसेज भेज दो, करते हैं फिर धूम धड़ा। इंस्टा पर मैसेज कर दो आप भी प्रीतम जी। ड्रीम ट्रू हाय सर, मिनिमम बजट में क्या मिल सकता है? ड्रीम ट्रू जी पहले तो मिनिमम बजट कितना है आपका वो बताइए, और चाहिए क्या आपको वो भी बताइए, और यहाँ मत बताओ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो पूरी डिटेल के साथ में, तो वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। रॉक शीशान जी
पाइनियर 88 टीवी होम थिएटर स्पीकर पैकेज कैसे हैं? सर जी ठीक है, लेना चाहो ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा उनको कि बहुत हाई क्वालिटी के हैं या ऐसे, बाकी बजट के हिसाब से ठीक ही हैं। ड्रीम ट्रू जी कह रहे हैं 15,000 रुपये में, तो बजट में क्या मिल सकता है? सर जी 15,000 में ड्रीम भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं मिल सकता आपको, ना नए में मिल पाएगा ना पुराने में मिल पाएगा। पुराने में फिर भी जो 1% कुछ ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। सुभाष जी विच इज़ बेटर JBL और ऑनक्यो बजट 80? सर ये क्वेश्चन सुभाष जी एक सवाल जो आपने पूछा ये गलत पूछा है आपने, क्योंकि आपने कहा है कौन सा बेटर है JBL और ऑनक्यो में से। तो सर जी JBL जो है उसके स्पीकर होते हैं खाली, ऑनक्यो जो होता है उसके एम्पलीफायर होते हैं और स्पीकर के साथ भी पैकेज आता है उनका। तो किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ पर, किसको दोनों में से, मतलब किसको क्या पूछ रहे हो आप दोनों के बारे में? जावेद जी अरे चल जा मेरा रूम सा इतना। जावेद भाई यहाँ पर मत बताओ, देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं पता लगेगा, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो जो भी करना है, यहाँ पर तो ये चैट अभी हट जाएगी और इतने लंबे सवालों का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी लोग सारे भाग जाएंगे बोर होकर। और भाई कोई नया बंदा जुड़ा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और एक चीज़ और बोलता हूँ ना मैं साथ में, क्या हाँ कि पुरानी जो सी वीडियो डली हुई है उसको भी ज़रूर देख लेना, ताकि हो सकता है कि आपके किसी पुराने गहरे सवाल का जवाब उस वीडियो की गहराई में छुपा हुआ मिल जाए आपको। गुरु जी विच टावर स्पीकर शुड आई बाय फॉर यामाहा? सर देखो प्रीतिश नाम है ना आपका, प्रीतेश जी अच्छे टावर स्पीकर जो उनसे है ना उनकी जो कॉस्ट है ना यार, वो आपके एंटायर सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब ये माइंड करने वाली बात नहीं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो उससे तकरीबन है ना 2 गुना ज़्यादा है। तो आप पूरा सिस्टम ही बदल लोगे तो बहुत बेटर होगा, या फिर फ्रंट के लिए यूज्ड में अगर लेते हो आप तो 15,000-20,000 रुपये में फ्रंट स्पीकर आपको मिल जाएंगे यूज्ड के अंदर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए इंस्टाग्राम पर ऑडियो गुरुजी 85। देख तुझे क्या हो गया अब इसको यार, आशा हेलो रियाना जी कैसे हो? सर पार्सल पहुंच गया रियाना जी आपका, आपने मेरे को बताया तो था शायद पहुंच गया था शायद है ना, आपने बताया था आई थिंक मेरे को। भुवेश राणा जी सर डेनन एवीआर 3600 का प्राइस क्या है एक बार रिव्यू करो। सर जी प्राइस भूषदेव जी प्राइस जो है वो देखो 38% लेस है ऑन MRP, तो आप नेट पर MRP चेक कर लो उसमें से 38% को लेस कर लो 38% को। सुभाष जी विच डू यू प्रेफर और सजेशन टू भाई? सुभाष जी आपने पूछा क्या था मेरे से पहले, मैं ये भूल गया। नहीं सुभाष जी क्या चीज़ चाहिए सर आपको? JBL के तो स्पीकर होते हैं ना, आपको स्पीकर चाहिए हैं, आपको होम थिएटर कंप्लीट चाहिए आपको, आपको AVR चाहिए, आप किस बारे में पूछ रहे हो? अनिल चौगी जी बोस शियन सीलिंग स्पीकर ये दोबारा भेज दिया ना। अनिल जी क्या पूछना है इसमें आपने मेरे को, तो ये तू कहा जा रहा है यार इसको, यार मेरे को हाथ में पकड़ना पड़ेगा भाई ये तो। क्या कह रहे हो आप? अनिल जी मेरे को देखो ऐसे याद नहीं है यार इसका, क्या कौन से हैं ये क्या हैं? अभिषेक जी सर डेनन S900W और मरांस S6004 में से कौन सा बेटर है? सर जी मरांस का ही बेटर है 6004 SR सीरीज वाला, वही बेटर है। और हेमंत जी सर जो डॉल्बी डिकोडर बोर्ड आता है क्या वो रियल डॉल्बी साउंड प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल नहीं करता सर। सुभाष जी 7.1 होम थिएटर, हाँ जी 7.1 होम थिएटर, क्या सवाल पूछ रहे हो यार आप? इसे तो हाथ ही नहीं जाएगा, आए मेरे रब्बा।
ये काम तो मेरे को लगता है आज भी नहीं हो पाएगा। और यार ये जो सा अभी सेटअप ये जो सा लग रहा है ना, इसकी भी मैं साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ इसकी, तो इसकी भी वीडियो जो सी है वो पूरी जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा, तो उसकी वीडियो को भी मैं अपलोड करूँगा, तो आप वो रहिएगा, क्या होता है वो, स्टे ट्यून। सुमित कुमार जी, हेलो सर जी, कैसे हैं आप? सुमित जी बहुत बढ़िया, आप बताइए सर आप कैसे हैं? सुभाष जी कह रहे हैं विच यू प्रेफर फॉर होम थिएटर 7.1। सुभाष जी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है, क्या इंस्टॉलेशन होनी है आपकी, क्या रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को जब एक साथ जोड़ते हैं तब एक सजेशन मिलता है। शोभित गुप्ता जी, अमित भाई इसी रूम में हम साथ बैठे थे, बिल्कुल सर आप जब आए थे यही वाला रूम था वो, इसी में हम बैठे थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुभाष जी एंड इज़ देयर एनी वायरलेस स्पीकर फॉर 7.1? सर नहीं आते सर, जो वायरलेस स्पीकर है सराउंड के लिए होते हैं खाली, बाकी जो ये कंपनी है जो सी हाई एंड कंपनीज है हमारी ऑनके और डैनन ये ऐसे टाइप की, इनके जो से स्पीकर जो भी स्पीकर तो इनके आते नहीं, सॉरी जो हाई एंड कंपनी है उसमें वायरलेस स्पीकर कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं बनाता वायरलेस स्पीकर, क्योंकि लोग वो होता ही नहीं है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है थोड़े टाइम के बाद में ना। बाकी आप अगर अपने पिछले स्पीकर जो उनसे सराउंड के उनको वायरलेस करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जल्दी एक सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा उसके ऊपर, अभी मंगवा रखा है मैंने, अभी आया नहीं मेरे पास वो, तो वो डिवाइस मेरे पास जब आ जाएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा उस पर कि आप अपने पीछे के जो उनसे स्पीकर हैं जो आपके पीछे से मेरा मतलब है कि जो सराउंड वाले स्पीकर हैं तो उनको आप वायरलेस कर सकते हो, तो वो सामान आ जाए मेरे पास उसकी वीडियो फिर बनेगी। तो आगे हम चलते हैं, इसी रूम में बैठे थे, बिल्कुल हो गया था ये तो 80K माय बजट। सुभाष जी, सुभाष जी 80 के आसपास अगर आप चलते हो तो आपको 5.1 का अगर आप सेटअप लगाते हो तो तकरीबन पड़ता है वो 60,000 रुपए का सर, 60,000 में पड़ेगा आपको सराउंड स्पीकर को वायरलेस कैसे कर हैं इसको बताना, वो किसी भी एवी रिसीवर से हो सकता है? हाँ जी सोभित जी, वही मैं बता रहा था कि वो डिवाइस मेरी एक्चुअली अभी आई नहीं है, मैंने मंगवा रखी है, तो वो डिवाइस मेरे पास पहुंच जाएगी जब, तो उसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा उसकी, तो आपको सबको दिखाऊंगा वो कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, और अगर उसके कोई ड्रॉबैक्स हुए तो वो भी ज़रूर आपको बताऊंगा, अगर उसमें मेरे को कोई कमी लगेगी तो वो भी, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता ही हूँ कि अच्छाइयों के साथ साथ मैं उसकी बुराइयाँ भी बताता हूँ सारी, तो उसकी भी वो डिवाइस आ लें दो मेरे पास में, फिर वीडियो बनाएंगे उसकी, फिर आपको बताएंगे। सुभाष जी जो एवी आ रहा है देखिए वो रहेगा हमारा डेनन का, और स्पीकर्स जो से हैं वो इलेक के होंगे। ओंकार जी 30,000 बजट फॉर 5.1 सिस्टम, एनी सजेशन? 30,000 सर ओंकार जी इस बजट के अंदर देखो वही है, एक दो ऑप्शन जो उनसे आते हैं, एक तो अपना यामा का है या फिर सोनी है, लॉजिटेक जो आजकल लोग काफ़ी ले रहे हैं जो वो है, तो यही है 30 के आसपास अगर आप चलते हो तो। नहीं गणेश जी बजाज लोन नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, इन फ्यूचर देखेंगे, बाकी अभी नहीं है फिलहाल। सुमित कुमार जी सर हम किसी 7.2 एम्प से 7.1.2 सिस्टम चला सकते हैं क्या? नहीं सुमित जी ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सर एवी रिसीवर के साथ में ही उनके जो कहते हैं वो यामा आता है 1840 है, जो एक एवी रिसीवर है, 5 स्पीकर और एक पैसिव सबवूफर के साथ आता है वो, 23,000-24,000 रुपये के आसपास का मेरे ख्याल से प्राइस होगा उसका, और 30 के आसपास यही सब कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बाकी तो ऊपर ही है सर। फिर से आपको होल्ड पे रखना पड़ेगा, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खटखटा रहा है कोई, अभी आया मैं, आप अपने कमेंट जारी रखिए।
विक्रांत यादव सर, आपका शॉप कहाँ पर है? सर जी दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर विष्णु गार्डन एरिया है, साथ में तिलक नगर पड़ता है, साथ में रजौरी गार्डन पड़ता है और पैसिफिक मॉल भी पड़ता है। सूरज जी, सर जी स्पीकर सेट विद डन एंड रिव्यू अंडर 15,000 रुपये। सूरज जी क्या पूछा है आपने यार? ये स्पीकर सेट विद डेनन 1600 अंडर 15,000, 7.1। ये क्या बात होती है भैया, 15,000 रुपये में आपको स्पीकर भी चाहिए 7.1 और 16 डेनन का 1600 भी चाहिए आपको 15,000 के नीचे? बड़ी यार सोच है आपकी तो। हेलो खान साहब, सलाम वालेकुम। सुमित जी सर, आपकी आपने क्या क्या लगाया हुआ है अपने सिस्टम, प्लीज दिखा दीजिए एक बार। सुमित भैया अभी इंस्टॉलेशन दोबारा से हो रही है सारी, कुछ एम्प वगैरह रिप्लेस कर रहा था मैं, अभी चेंज कर रहा था मैंने एम्प अपना, तो ये हो जाएगी, तो इसकी वीडियो बननी है पूरी, बन साथ साथ वीडियो बन रही है इसकी, तो थोड़ा सा एक आध दिन में शायद ये जैसे ये पूरा हो जाएगा तो करेंगे, उसके बाद में एक कॉल उठानी पड़ेगी मुझे अभी, पहले उठा के इसको बंद करना पड़ेगा पहले तो। हेलो हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ अमित, वो कार है ने यार, वो फ़ोन मेरे को लेना था। मैनू पता नहीं, नहीं मैनू नहीं पता, मैं घर जाके गल करा दांगा। चलो कल कल गल कर लेना। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी अच्छा 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 ओके अच्छा अच्छा जी अच्छा जी इतना टाइम लगने अच्छा कोई नहीं, मैं फिर बोल दांगा उन्होंने, वैसे तो फिर सवेरे कल कल गल कर लेंगे ना। चलो हाँ सवेरे जाना ही है ना। हाँ ठीक हाँ जी हाँ जी भाई हाँ चल रहा है बस निकलता पे जी। ओके हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? आपकी शॉप कहाँ का एड्रेस और ईएमआई सिस्टम, बजाज या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा? नहीं सर, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी नहीं है और लोन वगैरह का भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। प्रवीण कुमार जी, 25,000 की रेंज में कोई यूज्ड या न्यू 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम होगा? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? प्रवीण जी दिल्ली के अंदर विष्णु गार्डन है, विष्णु गार्डन में ही ऑफिस है मेरा, रहता मैं कहीं और हूँ मगर ऑफिस जो है वो विष्णु गार्डन में ही है। एंड उसके बाद आपने क्या कहा है 25,000 का? 25,000 में सर यामा का ही वो मिलता है 1850 जो सा आता है 1840 से, तो वो आप मिल सकते हैं बट वो मेरे पास नहीं मिलेगा आपको। शोभ जी अभी लेटेस्ट मूवी कैसी दिखी है? क्या शोभित जी समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो, अभी लेटेस्ट मूवी किस के कैसी देखी है? सर शोभित भाई समझा नहीं मैं आपकी बात को। सौरभ जी कह रहे हैं सर सोनी बी डी बी 200 ब्लू रे होम थिएटर सिस्टम अंडर 30,000 में बेस्ट होगा, यहाँ दूसरा बाय करना अच्छा है।
सौरभ भाई मेरे को पता नहीं सर इस बारे में, इसके ये जो आपने मॉडल दिया मेरे को इसकी नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है इसको। अयाज जी क्या, अयाज अयाज भाई हेलो कैसे हो। प्रीतेश जी सर बट सेट अप यू डू यू है फॉर यूर होम। परीक्षित जी घर का, अगर आप घर का पूछ रहे हो तो देखो घर के अंदर तो है जी जो एवी रिसीवर है वो है एंथम का 720 720 एंथम, और जो स्पीकर हैं वो लगे हुए हैं मेरे जो फ्रंट है उस पे लगे हुए हैं आपके विल्सन ऑडियो के, मतलब पूरे अब तो सारे विल्सन ऑडियो ही कर दिए, पहले फ्रंट पे ही थे तो अभी जो से वो विल्सन ऑडियो के स्पीकर्स हैं, और सबवूफर जो से है वो SVS का PB200 नहीं सॉरी 2000 वो लगा हुआ है अभी, और मीडिया प्लेयर जो है वो लगा हुआ है पॉपकॉर्न हॉर का 200 मॉडल आई थिंक 200 ही है वो लगा हुआ है, और टीवी जो सा है टीवी लगा हुआ है सैमसंग का, बस यही लगा हुआ है उसमें सारा। और एटमॉस पे जो स्पीकर लगे हुए हैं वो भी उसी के ही है, मतलब ये विल्सन ऑडियो ही लगे हुए हैं वहाँ पर भी, कस्टमाइज्ड हैं एक्चुअली वो, विल्सन ऑडियो की किट लगी हुई है सारी उसमें, बट जो कैबिनेट उनकी है जो सी वो बनाई है कस्टमाइज की हुई है वो। राहुल जी हेलो सर जी कैसे हैं आप। राहुल भैया बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं। रॉक शेजान जी स्पीकर साइज बनाने से साइज बढ़ाने से AVR पे लोड बढ़ता है 4 बार 70 बार 6 इंच 70 बार। सर जो सा लोड होता है ना ये रॉक भाई लो वो इम्पीडेंस होती है, वो इम्पीडेंस देखो आपकी इम्पीडेंस कितनी है, इम्पीडेंस जितनी कम होती है उतना ज़्यादा लोड होता है, जो वॉटेज होती है वो हमारी पावर हैंडलिंग होती है स्पीकर्स की, कि आपके जो से स्पीकर हैं वो इतनी वॉट से लेकर इतनी वॉट तक को बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे आगे अगर जाओगे तो शायद खतरा है आपके लिए। अंकित बौजी सर हरमन गार्डन 255 जो रिमोट चाहिए था। अंकित जी इंस्टा पर मैसेज कर दो ये वाला मॉडल नंबर लिख के, अगर हो सकता होगा तो मैं अरेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे मॉडल से मेरे को अभी फिलहाल तो याद नहीं आएगा, बाकी आप एक बार मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दो मॉडल नंबर अपना और लिख देना कि क्या चाहिए, तो वहाँ पर मैं अब तो नहीं होगा कल ही बता पाऊंगा आपको, मगर आप मैसेज ड्रॉप कर देना। विक्रांत यादव जी EMI सिस्टम कब तक आप ले दोगे। मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है तो मैं उसके वहाँ आने का सोच रहा हूँ, आपके यहाँ भी विजिट कर लूँगा, लेकिन 2 साल अभी लेने का प्लान नहीं है क्योंकि रिसेंटली IV3 है। विक्रांत जी अगर आपने देखो ये बात जो सी है ना माइंड करने वाली नहीं है, तो यहाँ पर देखो जी मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप माइंड मत करना इस चीज़ को, आपके मेरे पास में कम से कम है ना 50 बार मैसेज आए हैं आपके मेरे इसी सिस्टम के रिगार्डिंग, आपको मैंने हर एक मैसेज का आपका रिप्लाई, हर एक मैसेज का रिप्लाई किया है, मगर फिर भी आपने एक कमेंट के अंदर मेरे को ये लिख के भेजे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड आपको मैं एक चीज़ एक बार में पहले मैं कंप्लीटली आपको मैंने बता दी थी कि इतने के अंदर आएगी, आपने जो बजट बताया था उसके अंदर मैंने आपको बोल दिया था कि इसमें भैया कुछ नहीं मिलता तो मिनिमम जो सी है वो इतने तक आएगी, तब भी आपके यार मेरे पास कम से कम 10 बार आपने फिर से दोबारा से मेरे को वही चीज़ पूछी है, और फिर भी मैंने हर एक सवाल का आपको जवाब दिया है इस चीज़ का। अब सेकंड बात देखो, आपने आपने 2 साल बाद लेना है तो अभी इंक्वायरी करके किसी भी चीज़ की ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद आपको जो चीज़ आप अभी पूछ रहे हो ना वो 2 साल बाद आपको नहीं मिलनी, वो उस टाइम तक तो कई चीज़ें बदल जाएंगी इन फ्यूचर, अभी तो हमें भी नहीं पता क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, भाई मॉडल तो हर साल बदल जाते हैं अब, तो वो 2 साल के बाद वो कौन सा मॉडल आ रहा होगा उस टाइम कितने का आ रहा होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा A to Z, तो उसके बारे में तो तभी आप डिस्कस करोगे तो ज़्यादा बेटर है ना, आज के हिसाब से तो फिर फ़ायदा ही नहीं उसके, अगर आपने 2 साल बाद लेनी है चीज़ तो, मतलब ये माइंड मत करना इस बात को आप, बट साथ सभी लोग जितने भी इस टाइम यहाँ हैं देखो वो मैं शायद इस बात से एग्री करते होंगे वो भी कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अमर जी कह रहे हैं हीओस क्या होता है। सर जी हीओस जो है ना एक फीचर है एक, जिससे कि आप अपने दूसरे कमरे में वायरलेस स्पीकर्स जो हैं वो चला सकते हो वाईफाई के थ्रू,
मतलब आपका जो एम्पलीफायर है ऑपरेट वही हो रहा होगा, मगर उसकी जो उनकी आवाज़ है वो दूसरे स्पीकर्स, दूसरे किसी भी रूम के अंदर, चाहे वो रूम आपका कहीं पर भी है, मतलब कहीं से मतलब है कि एक वाईफाई कनेक्शन जो सा है वो एक होना चाहिए दोनों के लिए, बाकी आपका चाहे 3 मंजिल ऊपर है, नीचे है, कहीं भी है, तो वो आपकी आवाज़ जो सी है वो वहाँ तक आपके पहुँच जाएगी। वो तो इसके लिए जो स्पीकर होते हैं वो भी अलग होते हैं, वो हियोज एनेबल स्पीकर्स होते हैं वो, जो कि आपको डेनन के अंदर मिलते हैं, तो यही होता है हियोज, बस और कुछ नहीं होता। और कैसे वर्क करता है, वर्किंग भी सर आपको बता दी मैंने, देखिए ऐसे ही करता है। विक्रांत यादव जी कह रहे हैं, हाँ सर सॉरी सर, नहीं विक्रांत भाई देखो सॉरी वाली बात नहीं है, एक जनरल बात है यार, मैं आपको बता रहा हूँ सॉरी, तो ऐसा कोई आपने कोई गलती थोड़ी करी हुई है जो सॉरी बोल रहे हो, वो तो एक चीज़ जो सी है, देखो मैं मेरी थोड़ी सी आदत भी है ना जो सी है ना, मैं डायरेक्टली जो होता है ना, मतलब कि मेरे दिल में जो सी चीज़ है मैं वही चीज़ बोल देता हूँ, मतलब वो जैसे लोग सोच समझ के बोलते हैं ना बड़ा, तो वो वाला हिसाब किताब मेरे साथ होता नहीं है। मेरा बोलने का तरीका जो है वो कई लोगों को तो पसंद ही नहीं आता, वो कहते हैं पता नहीं कैसे बदतमीजी से बोल रहा है, ये कर रहा है, बट वो है ही ऐसा यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। राहुल त्रिपाठी जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ सर जी, क्लिप्स R600 टावर का प्राइस कितना है सर जी? प्राइस राहुल भाई मेरे को याद नहीं है ऐसे, आपको मैं चेक करके ही बता सकता हूँ अभी, ना ही मेरे पास इस टाइम मेरी रेट लिस्ट भी नहीं है, ना ही मेरे पास इस टाइम मेरी बुकलेट पड़ी हुई है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। आप भी इंस्टा पे मैसेज कर दो, वहाँ पे जो बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा मैं आपको बता दूंगा। विक्रांत सिंह जी, गुरु जी नमस्ते, नमस्ते विक्रांत जी, ये नमस्ते क्यों किया आपने? मगर डेनन 1600 की प्राइस क्या है रहेगी विद बिल विद वारंटी? विक्रांत जी 1600 देखो आपको मिलेगा 38% पे, तो तकरीबन आपको वो पड़ता है कोई 43 के आसपास, ऐसे कुछ करके आपको पड़ सकता है। ये क्यों बीप मारने लग गया, इसको क्या हुआ है? रजनीश कुमार जी 40 रुपी सर, ये आपने आई थिंक क्या सुपर चैट किया है क्या रजनीश जी? थैंक यू सर इसके लिए, सुपर स्टिकर दिए आपने, ओके ओके, ये सुपर स्टिकर दिखा रहा है ये, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो आपके पास भी आई थिंक शो होता होगा वैसे, ये रजनीश कुमार जी ने 40 रुपीज़ का डोनेशन किया है अभी, क्योंकि इसको मैं डोनेशन ही बोलूँगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये हमारे काम के लिए नहीं होता, वो जो सा ये इस टाइप के जो सुपर चैट या सुपर क्या होती है ये सुपर स्टिकर जो होता है उसके लिए जो सी हमारी डोनेशन करते हैं हम, जो मेरा आप फेसबुक पेज भी है तो उस पर भी मैं करता हूँ, वहाँ पर खर्च होता है, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विना विनीत कुमार जी, क्लिप्स के स्पीकर्स आप डील करते हो सर जी? रेडी स्टॉक नहीं होता, देखो विनीत जी ऐसे हर चीज़ को हम नहीं रख सकते हैं, बाकी है कि जिस रेट पे जितना लेस हम करके दे देते हैं ना कस्टमर को, उतना लेस उसे रख कर हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में बुकिंग पे जो उनसे आता है उसमें हमारे को क्लैरिफाई हो जाता है ना कि भाई पैसा कस्टमर उसी टाइम दे रहा है और हम चीज़ मंगा के दे रहे हैं, तो उसमें हम अपना 1 या 2% मार्जिन के आसपास का रख के कस्टमर को चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। रजनीश कुमार जी, अ कॉफ़ी फ्रॉम माई साइड फॉर यू हार्डवर्क, थैंक यू रजनीश जी। बाकी ये कॉफ़ी जो सी है ये मैं नहीं पीऊँगा, ये किसी ना किसी एसोसिएशन जो सी होती है या NGO वगैरह होते हैं वहीं पर जाएगी, ये वाली कॉफ़ी मैं नहीं पीऊँगा मगर ये। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा एक बार फिर से। सुमित कुमार जी, सर आप डेनन और मरांड्स एम्प पे जितना लेस भी बता रहे हैं उतना स्पीकर पे भी करते हैं सर? हर कंपनी का सुमित जी अलग लेस होता है, कॉल कॉडियो जो उनसे है वो तकरीबन 20% का लेस देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता उस पर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का मिलेगा आपको, ये डेनर और जो मरांड से इस पर थोड़ा सा लेस ज़्यादा मिलता है, तो वो उसी हिसाब से मैं दे देता हूँ। कॉल कॉडियो जो उनसे है वो काफ़ी कम उसमें मिलता है, लेस नहीं मिलता ज़्यादा, कॉल कॉडियो हो गया, कैफ हो गया, कपास हो गया और इस टाइप के क्लिप्स हो गया, इन पर ज़्यादा मार्जिन जो उनसे कंपनी नहीं देती है, काफ़ी कम लेस जो है काफ़ी कम मिलता है,
फिर भी जो शोरूम्स वगैरह हैं वो तकरीबन एमआरपी के ऊपर 5 या 7% तक कस्टमर को लेस करके देते हैं, बट हमारा जो है वो तकरीबन कोई 15-16% तक का भी कई बार लेस हम दे देते हैं उस पर। मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे ले रहे हैं बंदे और उस टाइम का जो रेट है वो क्या है। आस्किंग फॉर ओनली स्पीकर सेट कंपेटेबल विद डेनन 1600 अंडर 20K। तो सूरज जी 7.1 स्पीकर पैकेज भी अगर आप लेते हो ना तब भी आपको 20 तक का नहीं मिलेगा, आपको यूज के अंदर भी अभी तो फिलहाल तो यूज में भी नहीं मिलेगा और नए में भी नहीं मिलेगा आपको। 20,000 का कुछ नहीं मिल सकता, 40,000 के तो मिनिमम जो है वो 5.1 का पैकेज है सर स्पीकर्स का, उसमें भी आपको 2 स्पीकर अलग से और एड ऑन करने पड़ेंगे उसमें, मतलब 20,000 में नहीं मिल पाएगा कोई भी आपको, माफ़ी चाहूँगा। राहुल त्रिपाठी जी, सर क्या डेनन का AVR का मॉडल बंद होने के बाद भी कितने टाइम? सर पार्ट्स नहीं कभी भी बंद होते, अभी जो उनसे देखो अभी तो तकरीबन X-Series है, जो उनसी X-Series लॉन्च हुई थी मेरे ख्याल से कोई 2000 या 2002 के आसपास में X-Series लॉन्च की थी डेनन ने, तो अभी उसको 10 साल हो चुके हैं। तो अभी अगर आप X-1000 लेते है आपके पास या X-500 है आपके, तो उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सब कुछ अभी तक भी अवेलेबल हैं और वो अवेलेबल रहते भी हैं, क्योंकि कंपनी जो है ना कंपनी अपने पास में क्या करते हैं, ये जो यूनिट्स बनते हैं ना इनके उतने उसमें से काफ़ी सारे यूनिट्स ये ऐसे होते हैं कि जो बनाकर वो अपने स्टॉक में रखते हैं कि किसी को रिप्लेसमेंट देनी है, किसी को वारंटी देनी पड़ गई, किसी को किसी वजह से चेक करना पड़ गया, तो उनके पास में वो होते हैं। अभी जैसे कि डेनन के 1300 मेरे पास आए हैं, आपको बताया था मैंने, वीडियो भी बनाई थी उस पर, तो वो जोन से है ना वो इसी तरीके से कंपनी ने रखी है। अभी 1300 जोन से वो 2017 का मॉडल है, वैसे अभी नहीं आ रहा वो वाला, अभी 1600 आ रहा है, बट ये है कि उसकी वारंटी भी अभी तक मिलेगी आपको अगर आप नया ले रहे हो, और उसके पार्ट्स वगैरह अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी अभी तक आपको मिलेंगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता। राजेश जी, टेगास हार्मनी का स्पीकर्स पैकेज अच्छा होता है क्या? काफ़ी ची नहीं वो सर सस्ता तो देखो मिल रहा है राजेश जी, मगर अच्छे नहीं होते देखो, इसीलिए इतने सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि आप खुद समझदार हो कि टावर स्पीकर्स भी दे रहे हैं ये 30-40 हज़ार रुपये में, मतलब सारा पैकेज बना के दे रहे हैं, तो इतना कोई वो नहीं है इसीलिए दे रहे हैं बस। आयाज जी, सर जी अगर आपसे AVR लेने हो तो आप भिजवा सकते हो? बिल्कुल आयाज जी भिजवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। शिपिंग की जो कॉस्ट होती है वो देखिए एक्स्ट्रा होती है, अलग से लगती है वो, बाकी इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा, सिर्फ आप जम्मू में और कश्मीर में ना हो अगर तो मिल जाएगा, बाकी आप कहीं पर भी हो, क्योंकि वहाँ पर पार्सल जाते नहीं हैं, जाते हैं तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। मगर वेरी नाइस गुड पूजा शर्मा जी, धन्यवाद माता श्री। जी एस हजूरिया जी, कॉस्ट ऑफ ऑन क्यो 5-9। सर मेरे को जी एस जी मेरे को एग्जैक्टली तो देखो ध्यान में नहीं है, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 50-60 ऐसे कुछ आई थिंक होगी, बाकी एग्जैक्टली मेरे माइंड के अंदर नहीं है अभी। आयाज जी भाई कर्नाटका से है, ठीक सर आयाज जी, वो तो मैंने वैसे जनरली एक चीज़ बताई आपको क्योंकि कश्मीर में जो है वो पार्सल जाता नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए बस आपको बताया कि मैंने मतलब कि अपना बताया है आपको कि मेरे थ्रू मैं मतलब कि वहाँ यहाँ बाकी सारी जगह पे भेज सकता हूँ मगर वहाँ नहीं जा सकता मेरा, वो किधर गया यार, फिर से ना घूमता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो पता नहीं कहाँ रख दिया वो यार, वो रगड़ने वाला कहाँ गया मेरा, कुछ ना चलता ही रहेगा बीमारी, ये रहा यार मिल गया, चलो जल्दी मिल गया अब तो। पाइनियर है ये वाले होम थिएटर स्पीकर पैकेज आपके पास है? नहीं सर मेरे पास नहीं है रॉक जी, ना ही मैं रखूँगा इनको कभी, आपने लेने हैं तो आपको मंगवा के ज़रूर दे सकता हूँ मगर मैं स्टॉक में कभी नहीं रखता ये। आयाज भाई थैंक यू, यू आर वेलकम भैया जी, लाइक वाइक भी कर दो कोई हो ऐसा बंदा तो जिसने ना करा हो, और कोई नया बंदा अगर अभी जुड़ा हुआ है जो पहली बार आया हो हमारे इस लाइव सेक्शन के अंदर या फिर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और
पहले वाली वीडियो जो कि पहले से डल चुकी है उनको भी ज़रूर एक बार देखिएगा, हो सकता है आपके किसी सवाल का जवाब उन वीडियोज़ की गहराइयों में आपको मिल जाए। धन्यवाद। वसुदेव राणा, राणा जी सर आपके पास ईएमआई का ऑप्शन है? नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा, नहीं है। अगले साल से सर क्रेडिट कार्ड वाली वो मशीन जो होती है स्वैप करने वाली वो लग जाएगी नेक्स्ट ईयर, मगर अभी नहीं लगेगी वो। तो उस आप अपने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो उसमें और बैंक से आप इंस्टॉलमेंट उसकी करवा सकते हो, मगर अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो बाकी कहीं से अरेंज शायद हो जाए, अगर आपने कार्ड स्वैप कराना हो किसी फ्रेंड वगैरह से करवा सकते हैं। याद भाई थैंक यू, आपके पास नहीं है, ठीक है। अजीत यादव जी क्या कह रहे हैं? अब सर आप 50K में अच्छा 5.1 सिस्टम सजेस्ट कीजिए। सर 50 को छोड़ के आप 60,000 तक खर्चो, उसके में आपको डेनन का 5.1 चैनल BT सीरीज़ में मिल जाएगा। ब्लूटूथ वगैरह है, 4K सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ है उसके अंदर में, HDMI दे रखी है 3-4, मतलब 5.1 के हिसाब से ठीक है, अच्छा एम्प है, आप वो ले सकते हो। उसके साथ में आप इलैक के सिनेमा 5 लो जो कि आपको 40,000 में मिलेंगे, तो टोटल 60,000 रुपये लगेंगे आपके, मगर बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। मैं काफ़ी सारी जगह ये लगा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। शोभित गुप्ता जी अभी कौन सी लेटेस्ट मूवी या वेब सीरीज़ देखी है? सर जी अभी मैंने, मेरे को तो यार एक तो यही नहीं याद ही नहीं रहता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अभी मैं कौन सी देख रहा था यार, एक तो वो पताल लोक थी वो देख रहा था पहले मैं, उसके बाद में और क्या देख रहा था, ऐसे कुछ था, मेरे को पूरा तो ध्यान में नहीं है मेरे। अभी कौन सी देखी है मैंने कि आपको बताऊं तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल देखी नहीं कोई भी। ये क्या हो गया फिर से, ये फिर से क्यों बीप मार रहा है भाई, इसको क्या हो गया? अब परितिश जी 40 पोल्क टी 50 स्पीकर्स कैसे हैं? ओ प्रितेश जी इस सवाल का जवाब तो बिना पैसों के भी दे देता मैं आपने, चलिए खैर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स परिषित जी ने भी यार डोनेट किए हैं 40 रुपीज़, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। और आपने पूछा क्या T50 स्पीकर पैकेज कैसे हैं? सर जी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बाकी अपनी प्राइस रेंज जो उनकी है उसके हिसाब से ठीक है। थोड़े से बूमी ज़रूर होते हैं ये, देखो हल्का सा बूम फील होता है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर कंपैरिजन करते हैं इनका तो वो लगभग लगभग बराबर ही होते हैं सर। राहुल जी अगर हम आपके पास से AVR या स्पीकर सेट लेते हैं तो क्या उसकी वारंटी जिस स्टेट में हम रहते हैं? सर ऑल ओवर कंट्री की वारंटी होती है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि स्टेट वाइज वारंटी मिलती हो। कंपनी वारंटी जो है वो एक पूरी जो कंट्री होती है ना उसके हिसाब से मिलती है। आप इंडिया के अंदर कहीं से भी कोई चीज़ ले रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में उसके सर्विस सेंटर पे आप जाते हो तो आपको वो मना कोई नहीं कर सकता उसके लिए वारंटी देने से। सूरज नागपाल जी कह रहे हैं टी, व्हाट टी सर, समझा नहीं टी क्या। रमनदीप जी पाइनियर भी ओनकियो की ही कंपनी है तो क्वालिटी उसकी क्यों नहीं है? पाइनियर सर पाइनियर ओनकियो की कंपनी नहीं है, पाइनियर अलग कंपनी थी, ओनकियो अलग कंपनी थी, मगर पाइनियर जो है वो बर्बाद होने की कंडीशन में आ गया था, मतलब कि समझ रहे हो आप दिवालिया टाइप जो होते हैं ना वो हो रहा था, तो डेनन इसने ओनकियो ने उस कंपनी को खरीद लिया है। कंपनी जो सी है वो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो अलग होता था, अब जो मैन्युफैक्चरिंग होगी क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, इनके जो स्टॉक बना पड़ा है इनका वो बिक रहा है इस टाइम, तो वो पाइनियर जो बना रहा था उसकी क्वालिटी नहीं होती थी, बट जब ये स्टॉक ख़त्म होगा तो ओनकियो जो है वो अगर पाइनियर के नाम से बनाता भी है दोबारा से उसी का तो वो फिर अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। सर आपसे ये तो हो गया था ना लेने के प्रोडक्ट बताए, नहीं ये नहीं है ना। भूषण जी सर आपसे AVR एंड स्पीकर सेट लेने का प्रोसेस बोला हुआ आपने,
तो भूषण जी आप अगर जो दिल्ली में रहते हो तो सर आके ले सकते हो, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो उसके लिए आपको पहले पेमेंट एडवांस डालनी पड़ेगी, आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ से हम एक या दो दिन का आपसे टाइम लेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीवर करेंगे, आपके घर तक पहुँचेगा वो, मतलब डोर स्टेप डिलीवरी आपको मिलेगी, आपको जाना नहीं होगा कहीं। तुषार जौहर जी, प्रोजेक्टर न्यू लेना चाहिए या ओल्ड? सर प्रोजेक्टर हमेशा नया लेने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अंदर लैंप डला होता है, उसकी एक लाइफ होती है। अब वो पहले जो यूज़ कर रहा था बंदा, वो कितना यूज़ कर चुका है उसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा ओपिनियन यही होता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रोजेक्टर जो उनसे आप वो नया लगाओ यार। रितेश जी, सर हाय सर, 30-40 के अंदर एक 5.1 सिस्टम बताएं, आप सेटअप कर देंगे? हितेश जी अगर तो आप दिल्ली में रहते हैं तो सेटअप हम भी कर देंगे, उसके चार्जेस जो उनसे होते हैं देखो वो अलग होते हैं, और 35-40 के अंदर जो AVR आप मतलब सेटअप जो भी लगाना चाहते हो, तो नए के अंदर अगर लगाते हो तो थोड़ा सा बजट आपको और बढ़ाना पड़ेगा अपना, और अगर यूज में लगाते हो तो 40,000 में आपको मिल सकता है। भूमि साउंड को कैसे पहचाना जाए? सर भूमि क्रिएट कमरे में जैसे आपने सिस्टम लगा रखा है तो वो जब बेस देगा अपनी, तो उसकी जो सी बेस है ना वो एक गूंजने की आवाज़ जैसी होती है ना, उस टाइप से आती है कि बेस में क्या होता है कि एक फ्रिक्वेंसी आई और ख़त्म होगी, ऐसा होना चाहिए ना कि एक बार वो चला और बंद हो गया, मतलब जितनी पीछे से सिग्नल आ रहा है उतना चले। भूमि जो होता है उसमें क्या होता है कि वो बूम क्रिएट करता है, एक जैसे कि एक लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आया उसने भू किया, तो वो जो है भूमि साउंड है ना वो भू ऐसे कर देगा। अब ये समझाने का तरीका मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, मगर आई थिंक समझ जाना मतलब आप इसमें। और यार ये देखो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, बनाना प्लग्स हैं, वैसे तो मैंने दिखा दिए, देखा है पता नहीं दिखाए नहीं दिखाए, ये वाले इसमें नाम आ जाएगा इसका, दिखेगा फोकस करेंगे तो नजर आएगा, फोकस तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आता, ये आप देख लो वैसे यार पता लगे। नाकामी जी के हैं ये, बहुत बढ़िया वाले, अच्छी क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी के, ये देखो हीरे जैसी चमक। अबे इसको नीचे कर लेना यार, ये देखिए कैमरा रहा है क्या हो रहा है ये, हाँ आप देख के ना देख रहे क्या मस्त चीज़ है, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त कनेक्टर्स आए हैं ये, सस्ते सुंदर और टिकाऊ, बहुत बढ़िया है। मैं पूरे कनेक्टर अपने मैंने चेंज कर लिए, इस पर सारे कनेक्टर निकाल दिए अपने पहले वाले, अब इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, सब पे ये लगा रहा हूँ, जितने कनेक्टर लगे थे सब हटा दिए सर, मस्त तरीके से ना, ये पहले ये लगे हुए थे देखो, हाँ ये वाले पहले ये गोल्डन वाले लगे हुए थे, ये हटा दिए सारे मैंने, अब ये लगा दिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये देखने में भी बहुत बढ़िया है और है भी प्योर है बिल्कुल एकदम ना। ये फिर से बीप मार रहा है, आप किसने बलिदान दिया है? बीप क्यों मार रहा है भाई तू? अब बीप क्यों मार रहा है भैया ये? चलिए घर में इतना अच्छा सेटअप लगाया है दिखा करो सर। घर की वीडियो देखो, मैं एक्चुअली सही बताऊँ ना, मैं बनाना नहीं चाहता यार ऐसे, यहाँ देखो जो काम कर रहे हैं ना, तो वो काम जो उनसे है ना यार, वो काम की जगह के हिसाब से ही करा जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, दोनों चीज़ों को अलग अलग ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है वो, इस वजह से वीडियो मैं कभी मैंने सोचा ही नहीं कि कभी बनाऊं उसकी, बाकी देखेंगे कभी मूड आ गया तो। सर आपसे AVR स्पीकर सेट लेने के, अब ये तो हो गया था, ये कहाँ चले गए, अब फिर से पीछे आ गए क्या? भूमि हो गया, ये भी हो गया था। तुषार जौहर, 10 से 15 में कौन सा प्रोजेक्टर आ सकता है?
10 से 15 में सर जी कोई प्रोजेक्टर नहीं आता हमारे पास, क्योंकि वो चाइनीज़ वाले होते हैं वो। बाकी अगर पुराना चाहिए आपको तो 10,000 के अंदर एक पुराना वो है, प्रोजेक्टर है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। जो कि आप ये पीछे अगर देखोगे ऊपर, ये तो वो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला प्रोजेक्टर है। ये मेरा स्टपनी की तरह रखा हुआ है, मतलब इसको मैंने कि कभी प्रोजेक्टर ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो और यो कुछ हो तो उसके लिए लगा रखा है, जैसे कि अभी लगा हुआ है। तो ये आप लेना चाहो तो 10,000 रुपये में सर मैं आपको दे दूंगा, और तकरीबन 3 या 4 महीने के आसपास पुराना है ये। और यूज़ जो है इसका, वो हड मार के अगर देखें तो शायद कोई 5 से लेके 10 घंटे लगा लो आपकी, 10 घंटे तक का यूज़ हो। ये ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, डब्बा वब्बा सब कुछ पड़ा हुआ है इसका। नाकामिची साउंड बार जैसा वीडियो आपने वीडियो बनाया वो कितना का है, कितने का है ना रजीश जी? जो वो वाला जो है साउंड बार, वो पहले जब आया था तो थोड़ा सा लेस पे आया था, तो वो 1,30,000 रुपये में गया बेचा था हमने। तो अभी जो सा आना है उसका प्राइस शायद हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब 1,30 में आया था पहले वाला, तो ये शायद हो सकता है 1,35 के आसपास में पड़ रहा हो, क्योंकि पहले के तो पीस जो से थे वो मिल गए थे कहीं, तो इस वजह से थोड़े प्राइस भी उसका सही हो गया था। बाकी अभी का शायद थोड़ा सा बढ़ कर आए प्राइस। ओके शोभित जी, अच्छा अच्छा आप समझा सर मैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर देखना क्या है, वो एक्चुअली है ना जिस कमरे में ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, तो वहाँ पर जब भी आप जाओ ना तो वहाँ पर या तो कार्टून लगे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़ चैनल लगे हुए होते हैं, या कोई शो वगैरह जो आते हैं ना ये बिग बॉस टाइप के, वो लगे होते हैं। तो वहाँ पर वो मूवी तो लगा लो तुम कभी, शायद हफ्ते में एक बार देख लो, तो वही बड़ी गनीमत वाली बात हो जाती है उसमें। वो भी हफ्ते में भी एक बार ज़्यादा बोल दिया मैंने, महीने में 2 या 3 बार आप लगाओ तो वो भी पक्का नहीं है कि देख पाओगे, क्योंकि वो फ्री नहीं होगा कभी, तो देखोगे कहाँ से आप उसको। सर जी स्टार्टिंग रेंज में 4K प्रोजेक्टर सजेस्ट करें? सर जी स्टार्टिंग रेंज जो सी राहुल भाई है प्रोजेक्टर की, वो 1 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं 4K के अंदर। इससे नीचे प्रोजेक्टर आई थिंक जो से अच्छे प्रोजेक्टर हैं उनमें से कोई प्रोजेक्टर ऐसा नहीं है 4K के अंदर जो 1 लाख के नीचे नीचे हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे हो, जैसे 80 का 90 का ऐसा कुछ हो। बाकी एक रैंडमली एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो 1 लाख तो आप लगा के चलो। आया जी सर, एटमॉस साउंड किस तरफ से आती, ऊपर से या सारे स्पीकर से? नहीं भैया, एटमॉस जो है वो एटमॉस जोन से है, वो ओवर द हेड साउंड क्रिएट करता है ना वो हमारा, तो ऊपर से जो सी आवाज़ें होंगी, जो भी मूवी के अंदर ऐसी आवाज़ होगी जो ऊपर से आ रही है, तो वही आवाज़ आपकी जो सी है वो ऊपर वाले स्पीकर्स में ही आएगी। बाकी जो से स्पीकर्स हैं वो एज इट इज जैसे पहले चलते थे वही चलेंगे आपके। कपिल सिंह बिलो 1K, 1 लाख बजट होम थिएटर। हाँ भाई कपिल जी, डेनन 1600 मॉडल AVR, इलेक के दो फाइव सिनेमा फाइव स्पीकर पैकेज 5.1K, और पॉल कॉडियो का WOM 3, ये आपको टोटल जो सा है ये पड़ेगा 95,000 में, तो ये मिल ले सकते हो आप, 1 लाख के अंदर अंदर आ जाएगा आपके, और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी आपको इसमें। रमनदीप जी आप भी घर पे हो या शॉप पे? सर मैं अभी अपने ऑफिस में ही हूँ, मतलब शॉप पे तो नहीं, शॉप तो हमारी कोई है ही नहीं है। नीचे वाला फ्लोर जो है वो ऑफिस है, ये जो सा ऊपर वाला है ये हमारा वैसे डेमो रूम और जो शोकेस बोल सकते हो आप वो है ये। तो घर तो अलग है, घर तो कहीं और है। राहुल त्रिपाठी जी थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, मैं आपका वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर 10K में कोई डिसेंट बुक शेल्फ 2.1 साउंड सेटअप सजेस्ट करें दीजिए, मैं स्टूडेंट मतलब ज़्यादा नहीं है। अमूल्य कुमार जी 10,000 में, यार देखो मैं तो सर नहीं बता पाऊंगा आपको कोई, क्योंकि हमारे पास तो सारा इस थोड़ा कॉस्टली होता है, बट ये है कि अभी एक बार नेट पर देखना पड़ेगा क्या स्पेसिफिकेशन है उनकी या क्या है, तो उस हिसाब से आपको मैं बता पाऊंगा। तो आप एक बार मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर दीजिए एक अपनी रिक्वायरमेंट का, तो मैं थोड़ा सा देखिए सर्च कर कर, क्योंकि पर्सनली मेरे को नहीं पता वैसे, तो मैं नेट पर देख कर
एक बारी कि क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, तो उस हिसाब से आपको जो दो तीन मॉडल मुझे लगेंगे ये ठीक है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मगर आप तब भी एक बारी अपने आप खुद सोचिए, और हो सके तो डेमो ले मिलता हो अगर कहीं पर तो आप डेमो ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यार फ्रेंड्स, अभी के लिए ये जो सा हमारा सेशन है इसको यहीं ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि रीज़न जो सा है वो ये है कि मैंने ये सेटअप करना है सारा, तो 10:30 तो बज ही चुके हैं, तो एक घंटा डेढ़ घंटा और मैं भी यहाँ पर काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। तो इस वजह से अभी लाइव को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और आप किसी के अगर सवाल मिस हो गए हों, ना मिल पाए हों, उसे जवाब ना मिल पाए हों मतलब, तो आप वैसे कर लेना, मतलब कि वो जो होता है कमेंट कर देना किसी और वीडियो पे कर देना, या उस पर इंस्टाग्राम पे कर लेना, तो उसमें बात कर लेंगे। अभी के लिए अलविदा ही चाहेंगे हम आपसे, बाकी हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहें। तो फिर से मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिंक दिए गए हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, गूगल का भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, और क्या होता है और भी अगर कुछ होता होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए समाप्त करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जुड़ने के लिए साथ में, और बस तो चलिए आराम करो आप भी, मैं भी काम धंधा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो और इसकी वीडियो जो है वो आप लोगों को दिखा सकूँ मैं। तो अभी के लिए अलविदा चाहूँगा, दोबारा से 3 बार बोल चुका हूँ मैं ये वाली बात वैसे। तो चलिए फिर मिलेंगे लोगों, जय हिंद दोस्तों।